उनमें से एक लड़की ने रोते रोते बोला, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी दरिया दिल नहीं है, जेंटलमैन वाली तो एक भी क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, उसने मुझे एक आश्रय फेंक कर मारा। उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए दूसरी लड़की ने उससे बोला, हाँ जैसे ही उसने अपनी गहरी आंखों से मुझे देखा, मेरे तो अंदर की हवा ही टाइट हो गई थी, मेरी पूरी बॉडी पर गूज बम्प्स आ गए थे, और पता है जैसे ही उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तब मेरे पैर तो अपने आप ही चलने लगे थे, मैं इतना डर गई थी कि क्या ही बताऊं, और उसकी बॉडी और हैंडसम फेस के अलावा और कुछ अच्छा नहीं है उसमें, वो बहुत ही गुस्से वाला है, उसका टेम्पर बहुत बुरा है। हाँ तुम्हें पता है, सच में मैं ऐसे किसी लड़की के साथ रह सकती हूँ जो दिखने में इतना हैंडसम ना हो, लेकिन ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं रह सकती जो इस तरह बिना बात के गुस्सा करे और कभी भी उठकर मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल दे। अकीरा उन सब की बातें सुनकर हंस रही थी, उससे पहले ही पता था कि यही होने वाला है। प्रणव को अकीरा बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, उसका ये करना बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल था। उसको जैसे हंसते हुए देखकर बाकी लड़कियों को गुस्सा आ रहा था, वो उनकी बातों का ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकती है। अकीरा तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, तुम्हें हमारी बातें झूठ लग रही है क्या, हम सब यहाँ झूठ बोल रही है, एक काम करो ना, तुम ही अंदर जाकर देख लो, तुम जाकर उन्हें बोलो हमें रूम देने के लिए, स्वीटी ने अकीरा के कुछ बोलने या रिएक्ट करने से पहले ही बोल दिया था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अकीरा खुद से ही अंदर जाएगी और बात करेंगी और फिर हमें रूम आराम से दिलवा देगी। अकीरा को लग रहा था कि प्रणव ये सब जानबूझकर कर रहा है, वो उसको परेशान करना चाहता है, अगर ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया तो ये कैसे हो सकता है कि जो रूम प्रणव ने ऑक्यूपाई किया है वो उन लड़कियों वाला है। बाहर अंधेरा होने लगा था और उस जगह पर बहुत मच्छर भी आ गए थे, कुछ लड़कियों ने पतले कपड़े वाले ड्रेस पहने हुए थे और अब वो सब परेशान हो रही थी, अब उनको अच्छा दिखना था और उस चक्कर में उन लोगों ने वैसे कपड़े पहन लिए थे, इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, उन्हें थोड़ी पता था कि उन लोगों को ऐसे पैसेज में मच्छरों के साथ रहना होगा। अकीरा ने अपने लगेज स्वीटी को दिया और वो वहाँ के सबसे बड़े रूम में गई जहाँ प्रणव मौजूद था, वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, उसके अंदर बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। रूम का दरवाजा खुला और प्रणव दरवाजे से दूर विंडो के पास सिगार लेकर खड़ा हुआ था, वो बाहर देख रहा था और अब वो सिगार जलने के लिए लाइटर को लाइट कर रहा था। उसने दरवाजे के पास से पैरों की आवाज आती हुई सुनी, उस आवाज को सुनकर उसने धीरे से अपने आप को पीछे टर्न किया और वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। अकीरा दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे ही प्रणव ने दरवाजे पर देखा उसकी आंखें अकीरा की आंखों से जाकर मिली थी। अकीरा और प्रणव एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। प्रणव आज कैजुअल वेयर में था और वो यंग और हैंडसम लग रहा था, उसके बाल उसके फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और आज वो हॉटनेस का पावर पैक पैकेज लग रहा था। उसने अपने होठों के बीच में सिगार पकड़ा हुआ था और उसकी वजह से वो एक हैंडसम गैंगस्टर की तरह लग रहा था। अकीरा और वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे, वो अभी काफी पतला हो गया था, उसको बुखार था शायद उस वजह से, उसके फेशियल फीचर्स भी अलग लग रहे थे, वो पतला जरूर हो गया था लेकिन उसके फीचर्स और उसकी बॉडी अभी भी उतनी ही अट्रैक्टिव थी, उसके पास अभी भी वो चार्म था जो किसी भी लड़की को एक नजर में ही उसका दीवाना बना दे, उसे इम्प्रेस कर दे। अकीरा वो भी तो उसकी एक नजर से उसके चार्म में खो गई थी ना। अकीरा ने अपने आप को और अपने इमोशंस को अपने अंदर रखने की कोशिश की, वो उसके चार्म और उसकी बॉडी की अट्रैक्टिवनेस को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना बॉडी पोस्चर ठीक किया और फिर एक्सप्रेशन के साथ आगे प्रणव के पास गई और उसने उसको बोला, प्रणव तुम चाहते क्या हो, साफ साफ बता दो, वो इधर क्या कर रहा है, उसने अभी अपने उस शायना के बारे में नहीं सोचा, उसे ढूंढने जाना चाहिए, इधर क्यों आया है, अगर उस शायना को नहीं ढूंढना तो अपनी उस हॉट लड़की जिसके साथ वो उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था उसके साथ जाए ना, इधर क्यों आया है, वो भी ठीक है, इधर आने के बाद हम लड़कियों का रूम लेकर क्यों बैठा है, जेंटलमैन ऐसे थोड़े बिहेव करते हैं। अकीरा बाकी लड़कियों से बहुत गोरी थी, उसकी स्किन मिल्की व्हाइट थी और जब वो गुस्से में होती थी उसकी स्किन व्हाइट से पूरी रेड हो जाती थी, उसकी आंखों में भी गुस्सा साफ साफ दिखने लगता था।
अभी भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उसकी स्किन लाल और उसकी आंखें गुस्से वाली। प्रणव ने अकीरा को देखा, उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई थी और उसकी वजह से उसका चेस्ट भी कंटिन्यूस मूव हो रहा था। प्रणव की नजर पहले तो अकीरा के चेहरे पर थी और धीरे धीरे उसकी नजर उसके चेस्ट तक गई। प्रणव उसे देखकर अपनी आंख को रोक नहीं पाया था। उसने अपने मुंह से सिगार निकाला और वो आगे अकीरा की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। प्रणव की बॉडी से स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग स्मेल आ रही थी। अकीरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो उस स्मेल को अवॉइड नहीं कर सकती थी और उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लग गई थी। अकीरा पीछे पीछे जा रही थी और वो प्रणव को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रही थी। वो पीछे जा रही थी और प्रणव आगे आते जा रहा था और फिर प्रणव ने उसको वेस्ट से पकड़कर अपने पास खींच लिया था। प्रणव बहुत क्विक था। अकीरा कुछ समझे, कुछ रिएक्ट करे, उससे पहले ही प्रणव ने उसकी बॉडी को अपने पास खींच लिया था। प्रणव अपने थंब से अकीरा के स्किन के ऊपर से उसकी स्किन को अंदर प्रेस करने लगा। अकीरा उसके टच को अवॉइड कर रही थी, लेकिन हर बार की तरह वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। प्रणव अकीरा की बॉडी से आ रही सेंट को स्मेल कर रहा था और वो उसको चाहकर भी अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। प्रणव ने अकीरा के चिक्स पर से उसके बाल हटाए। उसके बाल हटाने का भी प्रणव का अपना एक अलग अंदाज था। उसने उसके बाल को फूंक मार कर पीछे किया था। प्रणव ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और उसके कान के पास आकर पहले उसे हल्की सी हंसी दी और फिर उसे सीड्यूसिंग तरीके से बोला, मैं तो बस एक ही चीज चाहता हूँ, वो सुहागरात वाली। अकीरा ने अपना हाथ उठाया और वो उसको थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था। प्रणव, मेरे साथ ये सारी गंदी और फालतू बातें मत करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ये सारी बातें अपने उस शायना के लिए बचा कर रखो। अभी भी अकीरा के कान में वो सब बातें गूंज रही थी। जिस तरह प्रणव ने उसे उस केव में बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ शायना के लिए फील करता है और उसकी फिक्र करता है, जिस तरह वो उसका नाम ले रहा था नींद में, सब कुछ अकीरा की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उस दिन वो प्रणव ने अकीरा का मजाक बनाकर रख दिया था। अकीरा आज तक उस बात से उभर नहीं पाई थी। अभी भी वो सारी बातें उसके दिल में थी, उसे हर्ट कर रही थी। प्रणव ने जैसे ही अकीरा के मुंह से शायना का नाम सुना, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो अकीरा को परेशान करने के मूड में था, वो उसे फोर्स कर रहा था। अकीरा ने उसके मुंह पर एक तमाचा ही मार दिया था। अकीरा के एक सेंटेंस ने उसकी बोलती ही बंद करवा दी थी। प्रणव हड़बड़ा गया था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सच में शायना बोला? अकीरा के पास एक सार्कास्टिक लुक था। वो प्रणव के इस सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी। हर बार प्रणव उसे ऐसे कुछ बोल देता है कि वो फंस जाती थी, लेकिन इस बार गेम उल्टा पड़ गया था। अकीरा की एक बात ने प्रणव को हिला कर रख दिया था। अब तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है कि तुम नींद में भी अपने सपनों में उसका नाम इतने प्यार से और अफेक्शन के साथ ले रहे थे। तुम एक काम करो ना, उसके पास ही वापस चले जाओ। अब तुम कब तक मेरे साथ लटके रहोगे? मैं तो उसकी सिर्फ एक कॉपी हूँ ना, वो ओरिजिनल वाली के पास ही चले जाओ। मेरे जैसे डुप्लीकेट के साथ कितना टाइम स्पेंड करोगे तुम? अब टाइम स्पेंड करने का सवाल भी नहीं उठता है। तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से मच्छर की तरह निकाल कर फेंक दिया था ना। अकीरा की बातों में प्रणव के लिए तानों से ज्यादा उसके मन में भरा दर्द था। प्रणव ने अकीरा के वेस्ट को और टाइटली पकड़ लिया था। उसकी आंखें अकीरा से हट ही नहीं रही थी। उसकी काली गहरी आंखें पूरे टाइम अकीरा को घूरे जा रही थी। अकीरा की स्किन फेयर और क्लीन थी और अब प्रणव उसे देखकर खो ही गया था। वो इनोसेंट और एनचेंटिंग लग रही थी। बाकी लड़कियां जो प्रणव के आगे पीछे घूमती रहती है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है, उनके फेस पर जैसे भर भर के मेकअप होता है, दुनिया भर के आर्टिफिशियल एक्सटेंशन होते हैं, वैसा कुछ अकीरा के फेस पर बिल्कुल नहीं था। उसकी स्किन पर वो नेचुरल ग्लो ही प्रणव को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। प्रणव उसकी ब्यूटी में खो गया था। अकीरा के बाल भी लंबे और नेचुरली सिल्की थे। प्रणव कुछ टाइम के लिए भूल ही गया था कि वो यहाँ आया क्यों है। वो अकीरा की सुंदरता में डूबते ही जा रहा था। लेकिन शायना,
प्रणव को अकीरा ने एक फर्म लुक दिया और उसके लुक से प्रणव को एक झटका लगा और उसने अपने सेंसेस को रीगेन किया। अकीरा की बोली हुई बातें याद करके उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड लुक आ गया था। उसने अपने एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए बोला, जब मैं बीमार था तब मैं नींद में शायना का नाम ले रहा था क्या? अकीरा के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। प्रणव को देखते हुए अकीरा हंसने लगी। हंसते हुए उसने प्रणव को टॉन्ट करते हुए बोला, प्रणव तुम्हें क्या लगता है मैं ना तुम जैसे लोगों से बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने फायदे के लिए लड़कियों को धोखा दे। तुम्हें कोई और लड़की से प्यार है और क्योंकि वो तुम्हें नहीं मिल सकती तो तुम किसी और लड़की को उसके बदले परेशान करोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तुम पावरफुल हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लड़की को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे जैसे आदमियों को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। अकीरा का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। शायद उसके मन में प्रणव के लिए जो भी गुस्सा था वो सब कुछ आज ही निकलने वाला था। उसकी आवाज में गुस्सा साफ साफ सुनाई दे रहा था और वो प्रणव को ब्लेम करती ही जा रही थी। तुम इतने ढीला हो क्या? एक लड़की नहीं संभाल सकते तुम? या फिर मैं ऐसे बोलूं कि तुम उस लड़की को संभाल नहीं पाए और तुमने इतना कुछ गलत कर दिया कि अब तुम्हारे पास वो वापस नहीं आ सकती। उसकी वजह से तुम मुझे यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट को इतना परेशान कर रहे हो, है ना? तुमने कोई गलती कर दी होगी और अब उसको सुधार नहीं पाओगे। ऐसा ही कुछ होगा, शायद वो तुम्हारी शायना भाग गई होगी किसी और लड़के के साथ। पहले पहले जब अकीरा को प्रणव इतना फोर्स कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, वो उस बात को समझ नहीं पा रही थी। प्रणव उसे कैश भी दे रहा था कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर। अब तक उसे ये सब उसकी अमीरी वाली दिखावा लग रहा था, लेकिन अब वो इस इंसिडेंट के बाद क्लियरली समझ गई थी कि प्रणव ऐसा क्यों कर रहा था। प्रणव के हैंडसम फेस पर आज बिल्कुल गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन थोड़े कोल्ड थे। उसके फेस पर तो गुस्सा नहीं था, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत डरावना हो गया था। अकीरा ने आज अपनी लिमिट से ज्यादा बोल दिया था। पता नहीं प्रणव कैसे रिएक्ट करेगा। प्रणव ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन देकर बोला, तुम खुद को इतना नीचे समझती हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इसीलिए फोर्स किया ताकि तुम्हें एक रिप्लेसमेंट बना सकूं? तुम और एक रिप्लेसमेंट? अकीरा को लग रहा था कि प्रणव सिर्फ उसे अपनी बातों से घुमा रहा था। उसने बहुत ही कैजुअली बोला, हाँ यही तो सच है ना? अकीरा ने जो देखा सुना और फील किया अब उसे ज्यादा सच्चाई और किसी चीज में हो ही नहीं सकती थी। सच्चाई वो भी प्रणव की बातों में, वो तो बिल्कुल नहीं थी। वो प्रणव की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। प्रणव अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर रहा है। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके और शायना के बीच जो था वो किसी को पता चले। शायना के बाद वो ऋचा के साथ क्यों है वो उसके बारे में भी सबसे छुपा कर रखना चाहता था, खासकर अकीरा से। वो अकीरा को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था। वो ये सब बातों को एनालाइज कर रहा था और उसने फिगर कर लिया था कि इस शायना वाली चीज के पीछे उस ऋचा का ही हाथ होगा। प्रणव को सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर ही नहीं बल्कि स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बीमारी भी थी। वो अपने मरे हुए भाई की तरह बिहेव करने लगता था। ये बात वो अकीरा के सामने गलती से भी नहीं बोलना चाहता था। इस बीमारी के बारे में वो बाहर पता नहीं लगने देना चाहता था। अकीरा को तो शायद प्रणव के मरे हुए भाई के बारे में पता भी नहीं था। अकीरा प्रणव को लेकर इतना फील करती थी। उसने अपने मन में प्रणव के लिए इतनी सारी चीजें भर कर रखी थी। वो प्रणव को लेकर बहुत इमोशनल लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रणव के लिए अकीरा कुछ फील करने लगी है? अकीरा प्रणव को लाइक करने लगी है? प्रणव के मन में ये रिप्लेसमेंट जैसी बात अकीरा के लिए कही अकीरा के लिए कभी आई ही नहीं थी। उसने अकीरा को रिप्लेसमेंट बनाकर रखने के लिए नहीं किसी और रीजन से अपने पास रोक कर रखा था। उस वजह से उसने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया था। प्रणव सोच भी नहीं सकता था कि अगर अकीरा को असली रीजन पता चले तो अकीरा किस तरह रिएक्ट करेगी, उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे। ये बात सुनकर अकीरा की नाक गुस्से से लाल हो गई थी। प्रणव कुछ बोल ही नहीं रहा था। ये देखकर उसके हाथ जोर से मुट्ठी में बंद हो गए थे। उसके नाखून जैसे उसकी स्किन को क्रैक ही कर देंगे। उसने फाइनली साइलेंस ब्रेक की और प्रणव को गुस्से में बोला,
मिस्टर प्रणव, हम एक दूसरे को ऐसे परेशान करना, ऐसे एक दूसरे के रास्ते में कांटा बनना बंद नहीं कर सकते क्या? तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे परेशान करना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे किसी लड़की के साथ बात करने में भी दिलचस्पी होगी जो तुम्हें नहीं पसंद करता, जिसका दिल और दिमाग तुम्हारे साथ नहीं है, जिसका दिल और दिमाग तुम्हारे साथ है ही नहीं। तुम ऐसे किसी को फोर्स भी नहीं करोगे ना? क्या तुम्हारा दिल और दिमाग मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है? प्रणव का हाथ अकीरा के वेस्ट पर था। वो धीरे धीरे ऊपर आया और उसने अकीरा के चिन पर पिंच किया। उसके फेस के और पास जाते हुए प्रणव ने उसे लो वॉइस में बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा कुछ है? तुम ये सारी बातें जो बोल रही हो, ये गुस्से में है या तुम सच में ऐसा फील करती हो, सोचती हो? प्रणव ने जिस फोर्स से अकीरा के फेस को पकड़ा हुआ था वो ज्यादा लाइट भी नहीं था और ज्यादा पावरफुल भी नहीं था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग था कि अकीरा अपने फेस को मूव नहीं कर पा रही थी। जब प्रणव उसे ये बोल रहा था तब उसका फेस अकीरा के फेस से एकदम सामने था, एकदम क्लोज था। वो उसकी वार्म ब्रेथ फील कर पा रही थी, उसकी ब्रेथ जैसे अकीरा के लिए एक करंट हो। जैसे जैसे उसकी सांस अकीरा की स्किन को टच हो रही थी, अकीरा अपने गुस्से को भूलते जा रही थी। उसकी स्किन हीट हो रही थी और वो अपने सेंसेस खोती जा रही थी। अकीरा शायद फिर से अपने आप को उसके जाल में फंसा रही थी। अकीरा इसके हैंडसम फेस को देखे जा रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। प्रणव के फेस से अकीरा की नजर एक बार भी नहीं हटी थी और ना ही उसकी आंखें ब्लिंक हुई थी। अब तक अकीरा अपने आप को कंट्रोल करती आ रही थी। उसके साथ वो 4 साल पहले हुआ था, उसको जैसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया हो। उसके बाद उसने सोच लिया था कि वो ऐसे किसी के जाल में नहीं फंसेगी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। कहीं ना कहीं अब तक वो ये करने में कामयाब ही रही थी। पता नहीं प्रणव में ऐसा क्या है, हर बार जब बात प्रणव की होती है तो वो अपना आपा खो देती है। वो अपनी बात फॉलो नहीं कर पाती, वो हमेशा ही उसकी बातों से, उसकी हरकतों से बहक जाती है। क्यों प्रणव ही क्यों? ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। टाइम रहते उसे अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा। प्रणव के लिए वो ऐसा कुछ फील नहीं कर सकती, वो उसके लिए अपने मॉरल्स नहीं भूल सकती, वो प्रणव के लिए कुछ फील नहीं कर सकती, प्रणव को ऐसे उसका दिल तोड़ने नहीं दे सकती। हाँ, मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सच है और मैं वही फील करती हूँ। उतना ही नहीं, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उस टाइम से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत थी, जो आज तक बिल्कुल वैसी है। अभी भी तुमसे नफरत करती हूँ मैं। उसके अलावा अब तुम जैसे आकर खड़े हो ना, बाकी किसी के फीलिंग्स या इमोशन की परवाह किए बिना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत गुस्सा आता है तुम पे, मुझे तुम्हारे जैसे लोग नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। अकीरा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रणव ने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसको अपने हाथ में रखकर प्रणव ने अकीरा के चिन को अपनी तरफ किया और उसे बोला, अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी ही नफरत है, तुम मेरे लिए इतना अजीब फील करती हो, तो तुम मेरी चीज मुझे लौटा क्यों नहीं देती? इतने टाइम से वो तुम्हारे पास है, अब अगर तुम्हारे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई काम ना हो, तो मुझे रिटर्न कर सकती हो? प्रणव इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? उसने ऐसी क्या चीज है जो अपने पास रख ली थी और वो भी उसकी? अकीरा उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। प्रणव ने धीरे से अपना हाथ ऊपर किया और अकीरा के सामने लाकर धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियां खोली। उसका हाथ अकीरा के सामने पूरी तरह खुला और उसके हाथ को देखकर अकीरा शॉक थी। उसके हाथ को देखकर अकीरा पहले कुछ सेकंड्स तक कुछ बोली ही नहीं, वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। उसके हाथ में एक वाइट बटन था। प्रणव बिना कुछ बोले बस चुप होकर खड़ा था। ये वही बटन था जिसे अकीरा पिछले 9 साल से अपना लकी बटन बोलती थी। उसका शेप, साइज, डिजाइन सब कुछ सेम था। ये बटन पक्का वही ही था। ये उसका लकी बटन कैसे? ये क्या हो रहा था? अकीरा उसके हाथ से वो बटन लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया, प्रणव ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया था। अकीरा उस बटन को ढंग से हाथ में लेकर देख भी नहीं पाई थी और उसने फिर से अपना हाथ बंद कर लिया था। अकीरा प्रणव के हाथ से उसे जबरदस्ती छीनना चाह रही थी। वो अपने लकी बटन को उसके पास ऐसे नहीं दे सकती थी।
लेकिन इस बटन पर तो उसका वाला स्माइल नहीं था, मतलब ये उसका बटन नहीं था, लेकिन ये दिखने में तो बिल्कुल उसी ही तरह लग रहा है, सेम टू सेम। अकीरा बहुत कंफ्यूज थी, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रणव ने अकीरा के फेस को देखा और वो उसके एक्सप्रेशन साफ साफ रीड कर पा रहा था। उसकी शक्ल पर दिख रहा था कि वो ये सब देखकर कंफ्यूज थी, ये सब क्या हो रहा था और कैसे हो रहा था वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। प्रणव ने उस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बिना कुछ एक्सप्रेशन या रिएक्शन दिए अपने लगेज के पास चला गया था। प्रणव ने अपने बैग में से कुछ बॉक्स निकाले और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना था। बॉक्स निकालकर बाहर रखने के बाद प्रणव ने नॉर्मल टोन में बोला, इस माउंटेन पर तुम्हें नहीं लगता मच्छर बहुत है, तुम्हें ये काम आएंगे, इसे अपने पास रखो। अब तक तो पूरा अंधेरा हो चुका था और इस होटल में कुछ ज्यादा अरेंजमेंट नहीं थे, ये बहुत सिंपल होटल था। यहाँ के बल्ब भी पता नहीं कितने जमाने पुराने थे, उनकी लाइट्स भी काफी डिम आती थी। ये लाइट और रात का टेंशन तो अलग था, लेकिन अभी वो प्रणव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पीठ दिखाकर खड़ा था, वो उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। अकीरा उसकी आवाज सुन पा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, उसके दिमाग में अपनी अलग ही बातें घूम रही थी। वो बहुत कंफ्यूज थी और उसके अंदर बहुत इमोशंस और फीलिंग्स एक साथ उभर रहे थे। अभी उसका पूरा ध्यान उस बटन पर था। अकीरा के दिमाग में फिर अचानक से कुछ और आया और उसकी बॉडी अचानक से शेक हुई और उसने तुरंत ही उस रूम से एग्जिट ले ली। स्वीटी अपने अंकल और उनके शो के डायरेक्टर से डिस्कस कर रही थी कि वो लोग अभी डिनर में क्या खा सकते हैं। उतने में अकीरा बहुत जल्दी जल्दी में हड़बड़ाती हुई उनके पास आई। अकीरा क्या हुआ, तुम ऐसे हड़बड़ा क्यों रही हो। स्वीटी मेरा बैग कहाँ है। अकीरा के फेस और उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ हुआ है, वो बहुत पैनिक स्टेट में थी और जल्दी में भी थी। स्वीटी ने उसे और कोई सवाल नहीं पूछा और उसके बैग के बारे में बता दिया था। अकीरा वो हमारे पास अब तक रूम में नहीं था, तो मैंने अंकल के रूम में जाकर हम दोनों का बैग रख दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उनके रूम में लेकर चलती हूँ। ठीक है, जल्दी चलो। वो लोग रूम में पहुँचे, स्वीटी ने अंदर जाकर तुरंत ही अकीरा को उसका बैग पास किया। अकीरा ने अपना बैग उसके हाथ में ले लिया और उसका सब सामान ऊपर नीचे करने लगी थी। फिर वो अपने उस बटन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। फाइनली उसे अपने इनर पॉकेट से उसकी स्माइली वाली बटन निकाल ली थी। वो बटन अब तक उसके पास ही थी, उसके बैग में ही थी। प्रणव के पास ऐसे सेम एग्जैक्टली सेम बटन कैसे हो सकता है, कैसे, क्या और क्यों होगा उसके पास वो बटन। अकीला के दिमाग में उस दिन जब वो उन किडनैपर्स के हाथों बची थी, वो सारी बातें सारी यादें रिवाइंड होने लगी थी। आर यू अ पिग, तुम कितनी स्टूपिड और गंदी हो, तुम कितनी मोटी हो, तुम्हें अपने खाने को कम करना चाहिए, थोड़ा कम खाया करो। अकीरा बहुत तेज बुखार में तप रही थी और उसे किडनैपर से बचाकर एक लड़का उसे गोद में उठाकर लेकर भागा था। अकीरा को उस टाइम पर ज्यादा होश नहीं था, वो उसे गोद में उठाने के बाद कोस रहा था उसके वजन की वजह से। वो लड़की की हरकतें बिल्कुल डोमिनेटिंग इंसानों वाली लग रही थी। नहीं, ये गलत डायरेक्शन में जा रही है वो। लेकिन अगर ये सच हुआ तो। अकीरा ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और वो अपना सर दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अकीरा बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी, उसको ऐसे देखकर स्वीटी परेशान हो रही थी। अकीरा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। अकीरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। अकीरा के दिमाग में तुरंत ही वो बात क्लिक हुई जब उसने समीर के सामने उस लकी स्माइली वाले बटन को रखा था और तब उसका रिएक्शन बहुत वियर्ड था, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। समीर के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, तुम ये बटन मुझे क्यों दे रही हो। पहले तो अकीरा सोच रही थी कि इस बात को काफी साल हो चुके थे, इतने साल हो चुके थे उस बात को, और उसने यही सोचा था कि इतने सालों पुरानी बात ऐसे हर किसी को याद थोड़ी रहती है। अब उसने इस बात को पुरानी बात है सोचकर नेगलेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बटन उसका नहीं है। अकीरा के हिसाब से तो यही है,
कि उसकी जान समीर ने ही बचाई थी, क्योंकि क्योंकि जब वो बेहोशी से उठी तब उसके बाजू में सिर्फ समीर ही था। अकीरा के दिमाग में ये सब चल रहा था और वो अपने ख्यालों में डीपली खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो अनकॉन्शियस हो रही थी और वो इम्बैलेंस होकर नीचे गिर गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरे, स्वीटी उसके पास दौड़कर उसको सपोर्ट करने लगी। स्वीटी ने उसे गिरने से बचा तो लिया था, लेकिन अब उसके बाद क्या? वो खुद पैनिक हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे और अकीरा को कैसे संभाले। अकीरा का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। अकीरा, तुम ठीक तो हो? जवाब दो, ऐसे मुझे डराओ मत। स्वीटी खुद बहुत पैनिक हो चुकी थी। वो खुद अपना आपा खो रही थी और वो अकीरा को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अकीरा की होंठ पूरे सूख गए थे और वो पूरी तरह होश में भी नहीं थी। वो स्वीटी को रेस्ट करते हुए बोलने लगी, स्वीटी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने ये कैसे कर दिया? मैंने गलत इंसान को अपना लाइफ सेवर समझ लिया। अकीरा रोने लगी थी। वो प्राची भी थी जो अकीरा की बात बात ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वो अकीरा को फिर से कुछ क्लैरिफाई करने उससे पहले ही अकीरा ने स्वीटी को धक्का दे दिया था और वो रूम के बाहर चली गई। स्वीटी के दिमाग में जितना उसने अब तक अकीरा को जाना था, उसके हिसाब से अकीरा शांत, सुलझी हुई और इंटेलिजेंट थी। उन सब जवान लड़कियों में से सबसे स्मार्ट और फास्ट अकीरा ही थी। आज तक उसने कभी अकीरा को ऐसे अपना टेम्पर लूज करते हुए नहीं देखा था। उसने कभी अकीरा को इस तरह हड़बड़ाते हुए इमेजिन भी नहीं किया था। स्वीटी आज तक अकीरा को एडमायर करती हुई आई थी। ये देखकर वो शॉक थी। स्वीटी अकीरा के पीछे भाग भाग कर गई। उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। उस रूम से निकलकर अकीरा भाग भाग कर उस बड़े रूम में गई जहाँ प्रणव था। उधर जाकर उसने देखा कि प्रणव वहाँ नहीं था। वहाँ बाकी सारी उसकी फीमेल कॉलीग्स थी। वो सब हंसी मजाक कर रहे थे और वो लोग इस रूम में अपने आप को सेटल कर रहे थे। ये देखना अकीरा के लिए एक शौक से कम नहीं था। वो प्रणव को ढूंढने इधर उधर आई थी, गायब था, और ये लड़कियाँ यहाँ अपने बैग को अनपैक कर रहे थे। अकीरा का गला सूख चुका था और उसने बहुत ही हैवी आवाज में उधर जो लड़कियाँ थी उसको पूछा, हमारे स्पॉन्सर मिस्टर प्रणव किधर है? उनमें से एक लड़की ने उसे इतने परेशानी में देखा, उसने नोटिस किया कि अकीरा परेशान और घबराई हुई लग रही थी और उन लोगों को बहुत स्ट्रेंज लुक दे रही थी। उसने आगे आकर अकीरा को कंसर्न में पूछा, अकीरा क्या हुआ? तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। हाँ, तुम पावरफुल तो बहुत हो जो तुमने मिस्टर प्रणव के पास जाकर हमारे लिए ये रूम देने के लिए कन्विंस कर लिया, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया, कुछ बोला? क्या क्या हुआ? कोई शर्त रखी है क्या? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? वो टॉल और हैंडसम आदमी कोई भी एंगल से दिखने में इतना रूड और अनॉइंग नहीं था, लेकिन जब इन लड़कियों ने उसका बिहेवियर और बात करने का तरीका देखा, वो लोग समझ गई थी कि ये बिल्कुल भी जेंटलमैन की तरह नहीं है और उन लड़कियों को दया आ रही थी अकीरा पर। वो सब तो प्रणव को एक कॉमिक से निकले हुए प्रिंस की तरह समझ रही थी। असलियत उसके लुक से बिल्कुल नहीं मिलती थी। लुक्स में जितना अच्छा था, हरकतों में उतना ही बेकार था वो। लेकिन अभी टाइम ये बताने का नहीं था। अकीरा उन लोगों को प्रणव के बारे में अलर्ट करने के लिए या कुछ समझाने के मूड में नहीं थी। वो ना ही किसी से बहस करना चाहती थी और ना ही किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी। उसने उन लोगों को उसके हाल पर छोड़ दिया था और वो उस रूम से बाहर चली गई। अकीरा पूरे होटल में देख चुकी थी, उसे प्रणव नहीं मिला था। वो होटल से बाहर जा रही थी। वो बस बाहर जा ही रही थी कि तभी उतने में ही स्वीटी ने उसे देख लिया था। स्वीटी भाग भाग कर उसके पास आई और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया था। अकीरा, तुम क्या कर रही हो? किधर जा रही हो तुम? तुम ऐसे अकेले अंधेरे में बाहर नहीं जा सकती। बाहर पूरा अंधेरा है, ना स्ट्रीट लाइट है और ना ही कुछ और। बाहर का रास्ता बहुत ही खराब है। ये जगह ऐसे बिल्कुल सेफ नहीं है। तुम ऐसे अकेले बाहर मत जाओ, और अगर तुम मिस्टर प्रणव को ढूंढ रही हो तो ऐसे बाहर जाने से अच्छा है कि तुम उन्हें फोन कर लो ना। अरे हाँ, मैं उसे कॉल कर सकती हूँ। अकीरा ने अपना फोन निकाला। उसने प्रणव को ब्लॉक किया हुआ था। उसने प्रणव को अनब्लॉक किया और उसने फोन करने की कोशिश की। पहला कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था।
दूसरा कॉल लगने के बाद एक ऑटोमेटिक वॉइस आई कि प्रणव का फोन स्विच्ड ऑफ है। अकीरा के पास रवि का नंबर नहीं था और वो उसको किसी भी हालत में ढूंढना चाहती थी। उसने सोचा कि अभी वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अगर वो अभी निकले और उनका पीछा करे तो वो उन तक पहुँच ही जाएगी। उसने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और स्वीटी को बोला, स्वीटी सुनो, मुझे मिस्टर प्रणव से बहुत जरूरी बात करनी है और मुझे उनको ढूंढना ही होगा किसी भी हालत में। तुम सब खाना खा लेना, मेरा वेट मत करना। अकीरा ने अपनी बात खत्म की और स्वीटी कुछ रिएक्ट करे या उससे कुछ बोले उससे पहले ही अकीरा भागकर होटल के बाहर चली गई थी। अकीरा होटल के बाहर तो चली गई थी लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने अपने फोन का फ्लैश ऑन किया और वो बिना किसी फिक्र के बिना अपने बारे में सोचे आगे जाने लगी। उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, आगे क्या होगा क्या नहीं, उसे अगर कुछ हो गया तो वो ऐसे सब चीजें नहीं सोच सकती थी। उसके दिमाग में सिर्फ प्रणव को ढूंढने का भूत सवार था। कुछ 10 मिनट तक वो आगे बिना किसी डर के भाग रही थी और आगे टर्निंग पर जाकर उसने देखा कि कुछ लोग भीड़ बनाकर खड़े थे। अकीरा उन लोगों को ऐसे देखकर डर गई थी और वो जल्दी से आगे जाकर देखने की कोशिश करने लगी कि उधर क्या हुआ था। भैया इधर कुछ हुआ है क्या, आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? उनमें से एक आदमी ने अकीरा को देखा और जवाब दिया, हाँ भाग भाग कर एक लड़का आ रहा था, वो बहुत ही जल्दी में लग रहा था और उस जल्दबाजी में वो इस खाई की तरफ गिर गया। अब इतना अंधेरा है, अगर हम कोशिश करें फिर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। इतनी रात को पता नहीं उसे कहाँ जाने की इतनी जल्दी थी। अभी ही वो आया था हमारे गाँव में और अब ऐसे हड़बड़ाहट में जा रहा था। वो जिस तरह गिरा है और जहाँ गिरा है वो देखकर एक बात तो तय है कि उसके जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है, बहुत गहरी खाई है ये। अकीरा ये सुनकर फ्रीज हो गई थी, वो ऐसे किसी चीज के लिए रेडी नहीं थी। उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। उसके हाथ में जो बटन था उसने उसको कस कर पकड़ लिया था और उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। क्या आपने उसे देखा था? आपको पता है वो कौन है, कैसे दिखता है, कुछ भी? मैंने सुना वो कोई बड़ा आदमी था और दिखने में बहुत यंग और हैंडसम था। अब मुझे आगे कुछ नहीं पता, वो इतनी जल्दी में किधर और क्यों जा रहा था? इतनी भरी जवानी में ऐसे अपने जान खो देना सोचकर ही बहुत दुख हो रहा है। अकीरा अपने दिमाग में उस आदमी की बातों को एनालाइज करने लगी। यंग हैंडसम और कोई बड़ा आदमी, ये सब बातें कुछ जानी पहचानी चीजों की तरफ इशारा कर रही थी। वो शॉक थी, वो फ्रीज हो गई थी। जब अकीरा ने उस आदमी का डिस्क्रिप्शन सुना, उसके सामने प्रणव का चेहरा और प्रणव की पर्सनालिटी ही आ रही थी। वो नीचे नहीं गिरा होगा ना, अगर वो नीचे गिर गया तो रवि किधर है? अकीरा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, वो अपने आप को समझा रही थी कि प्रणव के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे कहीं फंस नहीं सकता। उसने सोचा कि अगर प्रणव कहीं प्रॉब्लम में होगा तो उसका असिस्टेंट तो होगा ही। वो इधर उधर लोगों की भीड़ में रवि को ढूंढने लगी थी, उसे रवि नहीं मिला था, मतलब गिरने वाला प्रणव नहीं कोई और होगा, प्रणव के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब इस जगह को देखकर और आज जो भी कुछ हुआ था उसे देखकर प्रणव ही ऐसा था जो बड़ा आदमी है और अभी जल्दी जल्दी में यहाँ से निकला हो। सारी बातें प्रणव की तरफ इशारा कर रही थी। अकीरा बहुत ही टेंस थी, अकीरा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो, उसे और दर्द दे रहा हो। प्रणव कितना भी डोमिनेटिंग, कितना भी इरिटेटिंग, कितना भी परेशान करने वाला हो, लेकिन अकीरा के मन में उसके लिए ऐसी कोई बुराई नहीं थी। उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि प्रणव के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इतना बुरा तो वो बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ प्रणव के बिहेवियर से नफरत करती थी, लेकिन इतनी नफरत नहीं कि उसके साथ ऐसा कुछ हो और वो खुश हो। अकीरा धीरे से आगे गई और वो नीचे रोड के साइड से देखने लगी। वो देखने की कोशिश कर रही थी कि अगर कोई हिंट या कुछ तो हो। उधर नीचे देखकर वो एक बात तो पक्का समझ गई थी कि इस जगह पर अगर कोई नीचे गिरा तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। उसे अब डर लगने लगा था, अगर प्रणव के साथ ये हुआ होगा तो। उसने अपने लो कॉन्फिडेंस और शेकी वॉइस में
वहाँ खड़े हुए आदमी से पूछा, भैया आपको सच में पता है कि वो यहाँ नीचे गिरा है? यहाँ कितना अंधेरा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आपको यकीन है कि कोई गिरा है? अकीरा के पैर कमजोर पड़ गए थे, वो अपनी हिम्मत खोती जा रही थी। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस होटल से निकली थी, जितनी हिम्मत लेकर निकली थी, सब इस मोमेंट पर खत्म हो गई थी। नीचे के अंधेरे और गहराई को देखकर उसके भी तोते उड़ गए थे। वो पैनिक हो रही थी, उसका सर दुखने लगा था, वो बहुत टेंशन में आ गई थी। उसकी बॉडी से पसीना छूटने लगा था और उसका माइंड पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। उस टाइम पर वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी, वो डरी हुई थी। इससे पहले उसने कभी प्रणव से वो किडनैपिंग वाली बात नहीं की थी, वो तो समीर को ही अपना सेवियर समझती थी, लेकिन अभी सीन कुछ और ही था। प्रणव ने उसे उस बटन के बारे में कुछ भी क्लियर बात नहीं की थी, उसने अब तक प्रणव को पूछा भी नहीं था। उस दिन जो इंसान उसे पिग बोल रहा था, उसके वजन को लेकर इतनी बुरी बातें सुना रहा था, उसके खाने पर कमेंट कर रहा था, वो प्रणव खुद था या कोई और था? उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस सिचुएशन में पड़ सकती है, उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अकीरा रोने लगी थी, उसे अब और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। अरे तुम रो क्यों रही हो, वो जो नीचे गिरा है तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है क्या? उससे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या? अकीरा को अपने गालों पर पानी बहुत फील हो रहा था। उसने पहले सोचा कि ये बारिश का पानी है, बारिश की वजह से ऐसे हो रहा हो, लेकिन जब सिर्फ उसने अपने मुंह को गीला होते हुए देखा, तब उसने रियलाइज किया कि वो बारिश का पानी नहीं था, उसके आंसू थे। वो सच में रो रही थी। अब अकीरा अपना आपा अपने सेंसेस खो चुकी थी, इतनी बुरी तरह वो अपने रोने को भी समझ नहीं पा रही थी। अकीरा रो रही है, वो भी उस डोमिनेटिंग इंसान के लिए। तुम प्लीज रोना बंद करो, ऐसे रो मत। एक्चुअली अकीरा की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसने उस आदमी की आवाज सुनी जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और उस आदमी को घूरते हुए पैनिक होते हुए पूछा, क्या एक्चुअली क्या बोलो? वो इंसान अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, वो ऐसे किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता था। बाकी लड़कियों को छोड़कर अकीरा की बात करे तो वो दिखने में पहले ही सुंदर थी, वो उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था। वो अकीरा को सब सच बताने ही वाला था, उसको सारी बातें क्लियरली बोलने ही जा रहा था कि उतने में ही पीछे से एक वार्म और हेवी आवाज आई, ठीक है आप सब अब वापस जा सकते हैं, आप सबका काम हो चुका। अकीरा के कान ने उसकी आवाज सुनी और वो ब्लैंक हो गई थी। उसके चेहरे पर आंसू की बूंद और पीछे से वो आवाज, वो पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उस पल में वो सब कुछ भूल चुकी थी, सारा गुस्सा सब कुछ। उसने पीछे मुड़कर देखा और थोड़ी ही दूर पर जब उसने देखा तो वो तो वहाँ प्रणव खड़ा था। उस टाइम पर अकीरा उसे देखकर फ्रीज हो गई थी। शायद ये पहली बार होगा कि अकीरा दिलो जान से उसे मिलना चाहती थी। उसे देखकर उसे जैसे जन्नत मिल गई हो। वो उस क्राउड के बीच में भी सबसे अलग लग रहा था, वो उसे आसानी से पहचान पा रही थी। वो अभी भी अपने स्टाइल में, अपने एटीट्यूड में खड़ा था, उसका एक हाथ उसके पॉकेट में और वो अकीरा को देखे जा रहा था। प्रणव बिल्कुल ठीक था, सर से लेकर पैर तक उसकी बॉडी पे कहीं भी कोई भी घाव नहीं दिख रहे थे। वो सही सलामत उसके सामने खड़ा था, वो जिंदा और ठीक उसके सामने है, मतलब उधर खाई में जो गिरा था वो प्रणव नहीं था। अकीरा ये देखकर बहुत खुश थी और इतने टाइम से वो जो पैनिक अपने अंदर लेकर परेशान हो रही थी, वो फाइनली शांत हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी जो प्रणव के गिरने के बारे में सोचकर शेक हो रही थी, वो अब नॉर्मल थी। अब अकीरा ने चैन की सांस ली थी। नहीं एक मिनट, कुछ तो गलत है, प्रणव बिल्कुल ठीक है और उसने अभी इधर आकर उन आदमियों को क्या बोला? तुम सब जा सकते हो, यही ना? इसका मतलब प्रणव ये सब नाटक कर रहा था, ये सब क्राउड को उसने जमा किया था, ये अकीरा के लिए ट्रैप था, ये सब उसको पैनिक करके हेल्पलेस फील करवाने के लिए था। अकीरा ने पूरी चीज से समझकर एनालाइज की और उसने रियलाइज किया कि ये सब एक झूठ था, एक ड्रामा था उसे फंसाने के लिए। उसके चेहरे पर जो चिंता और परेशानी थी वो गुस्से में बदल चुकी थी। पहले उसकी आंखें प्रणव के लिए कंसर्न में लाल थी, लेकिन अब उसके लिए गुस्से में लाल थी।
प्रणव ने ये बहुत गलत किया। वो कितना बेदिल इंसान है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ऐसा कौन करता है? कौन ऐसे किसी और की फीलिंग्स के साथ खेलता है, किसी को इमोशनली ऐसे टॉर्चर करता है? अकीरा उसके सामने देखकर चलते जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में प्रणव के लिए गुस्सा उबल रहा था। वो उसके सामने जाकर खड़ी हुई। उसने पहले कुछ सेकंड्स तक उसको कुछ बोला ही नहीं और फिर उसके ऊपर गुस्से से अपने आप को लकी बटन प्रणव के ऊपर फेंकी और रूडली बोला, अब मैं तुम्हें ये घटिया बटन रिटर्न कर रही हूँ। इतना बोलकर अकीरा गुस्से में पीछे मुड़ी और रिटर्न अपने होटल की तरफ भागने लगी। प्रणव उसके पीछे कुछ दूर तक गया, उसके पीछे भागते हुए उसको आवाज देता रहा रुकने के लिए, लेकिन अकीरा रुकी बिल्कुल नहीं। फिर अचानक उसके दिमाग में कोई ख्याल आया और वो बीच में वहीं पर रुक गया। वो भागकर फिर से उस जगह पर गया जिधर अकीरा ने उसके ऊपर उस बटन को फेंका था और उसने उस बटन को नीचे जमीन से ढूंढ कर उठाया। प्रणव सरप्राइज था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अकीरा इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेगी, वो उसके लिए इतनी कंसर्न होगी। अकीरा जितनी चीजों के बारे में सोच रही थी उतना उसका खून खौल रहा था। होटल में आते टाइम पूरे रास्ते वो सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही थी। अकीरा जब होटल पहुंची तब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो बहुत ही चिड़ी हुई थी। अब तक उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। वो हर सिचुएशन को, हर चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करती थी। वो उस बात को समझती थी और ऊपर से सही तरीके से रिएक्ट करती थी। लेकिन जब से प्रणव उसकी जिंदगी में आया है तब से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। वो पहले जितनी काम और ऑर्गेनाइज थी, अब प्रणव के आने के बाद वो बहुत ही हाइपर और मैसी हो गई थी। उसके सामने वो हमेशा खुद का मजाक बनाकर आती है। वो उसके सामने पागल दिखने लगी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार प्रणव हर बार ऐसे ही अपने ट्रिक्स यूज करके उसको उल्लू बनाकर इसे फंसा देता है। और तो और अकीरा हर बार फंस भी जाती है। अकीरा रूम में जा रही थी तब उसको रूम में कुछ ही दूर पर स्वीटी मिली। स्वीटी अकेले नहीं खड़ी थी, उसके साथ एक लड़का भी था। वो लड़का फोटोग्राफर था, उसे रिसेंटली हायर किया था। स्वीटी अकीरा के लिए बहुत परेशान थी और जब उसने अकीरा को वापस आते हुए देखा तो उसे देखकर वो खुश थी कि अकीरा सही सलामत वापस आ गई है। अकीरा तुम ठीक हो? तुम जब ऐसे भाग कर गई, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी? मैं तो मानो मरने की ही हालत में थी। तुम ऐसे रोते रोते बाहर आधी रात में भाग कर मेरी तो जान ही निकल जा रही थी तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। भगवान का शुक्र है कि तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। इतने अंधेरे में तुम अपने आप को क्यों रिस्क का शिकार बना रही थी? स्वीटी ने फाइनली चैन की सांस ली। जो नया फोटोग्राफर था जो स्वीटी के साथ खड़ा था वो दिखने में काफी यंग था। उसकी एज अकीरा की एज जितनी ही होगी और बिहेवियर के हिसाब से वो फ्रेंडली था। उसने अकीरा को एक स्माइल दी और उसकी तरफ अम्ब्रेला पास करते हुए बोला, मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उस फोटोग्राफर का नाम दिनेश रॉय था। वो दिखने में यंग और हैंडसम तो था ही और उसकी नजरों की बात करें तो उसके लिए अकीरा एक बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काम लड़की थी जो उन बाकी लड़कियों से काफी अलग और अच्छी थी। उसकी नजर में अकीरा को पाना, उसे दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। वो दिखने में ही उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। वहाँ बाकी लड़कियाँ अपना मेकअप और अपने कपड़ों को लेकर बिजी थी और अकीरा अपना काम कर रही थी और इतनी भाग दौड़ कर रही थी। उसके हिसाब से अकीरा बाकी लड़कियों के कंपैरिजन में बहुत ही सुलझी हुई, हार्ड वर्किंग, केपेबल और डेडिकेटेड थी। अकीरा ने उसके हाथों से अम्ब्रेला एक्सेप्ट किया और उसे स्माइल देते हुए नॉर्मल और स्वीट तरीके से बोला, थैंक यू। जब अकीरा ने उसको पहली बार स्माइल दी वो उसको कुछ सेकंड्स के लिए देखते ही रह गया था। उसने फिर उसके डिंपल्स नोटिस किए, उसके दोनों गालों पर वो क्यूट डिंपल्स। वो तो मानो जैसे उसे देखकर इम्प्रेस ही हो गया था। जब अकीरा स्माइल करती थी तब भी सच में वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगती थी, बिल्कुल एक डायमंड की तरह। अकीरा ने नहीं सोचा था कि सब लोग ऐसे उसका वेट कर रहे होंगे और उनमें से किसी ने भी कुछ खाया नहीं होगा। उनको लग रहा था कि उसने स्वीटी को बोल दिया था कि वेट ना करे तो सब अपना खाना खा लेंगे। जब उसने ये देखा कि सब लोग उसका वेट कर रहे थे
उसकी आंखों में पानी आ गया था। वो उनको देखकर इमोशनल हो गई थी। जब से रिया अपने गले की प्रॉब्लम्स की वजह से ये शो छोड़कर गई थी, तब से सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिलकर रहते थे। उनमें अब कोई मन मुटाव नहीं था। सब एक दूसरे को प्यार और केयर के साथ ट्रीट करते थे। जो नए लोग आए थे इस टीम में वो भी काफी अच्छे थे। उनकी बॉन्डिंग भी बाकी लोगों के साथ और आपस में स्वीट और केयरिंग थी। अकीरा का सब ऐसे वेट कर रहे थे, ये देखकर बुरा लग रहा था और उसने उन सब लोगों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने सबको ऐसे वेट कराया। आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। उसकी शो के डायरेक्टर उस समय उधर आए और उन्होंने उसके शोल्डर पर टैप करके उसे शाबाशी दी और बोला, तुम ठीक हो, ये देखकर अच्छा लगा। अब और बातें बाद में कर लेना, चलो सब खाना खाते हैं। दिनेश ने अकीरा को सीट ऑफर करते हुए एक चेयर को पीछे किया और उसने बैठने का इशारा किया। अकीरा अभी उधर बैठ गई थी। सब लोग अपने हिसाब से सेटल हो रहे थे। कुछ 7-8 लोग बैठ चुके थे कि उतने में अचानक से उस होटल में जो कैफेटेरिया था उसका दरवाजा बहुत ही फोर्स से झटके से ओपन हुआ। उस कैफेटेरिया में लाइट काफी डिम थी, होटल के बाकी एरिया की तरह। दरवाजा खुलने पर सब लोग दरवाजे के पास ही देख रहे थे। दरवाजे पर एक टॉल आदमी खड़ा था। उस लाइट में उसके फीचर्स और भी अट्रैक्टिव और प्लीजिंग लग रहे थे। उसके एक्सप्रेशन आरोगेंस से भरे हुए थे और उसको देखकर ही उसके रूड बिहेवियर का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने दरवाजे पर एंट्री भी तो वैसे ही शानदार और ग्रेट तरीके से की थी और दरवाजे को पटकते हुए मारा था। उसके आने से वहाँ का माहौल एकदम से सीरियस हो गया था। कनन ने दरवाजे पर उसे देखकर उसे तुरंत ही पहचान लिया था। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और हंसते हुए उसने प्रणव को रिकॉग्नाइज करके उसे ग्रीट किया। मिस्टर प्रणव, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आपने डिनर कर लिया है क्या? अगर नहीं किया हो तो प्लीज आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ खाना खाएंगे तो। प्रणव की नजर अकीरा पर गई और उसको देखते ही उसके एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली डार्क हो गए थे। अकीरा प्रणव को देख भी नहीं रही थी। सब लोग जहां उसे खाने पर ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रहे थे, अकीरा अपने में ही धुन आराम से बैठकर स्वीटी से बात कर रही थी। उसने एक नजर प्रणव को देखा तक नहीं था। दिनेश ने प्रणव को देखा, वो भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसे प्रणव को पैम्पर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो प्रणव को कुछ बोलने ही जा रहा था कि प्रणव ने कनन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो अंदर जाने लगा। वो दिनेश के बाजू वाली जो कुर्सी खाली थी वहाँ जाकर बैठ गया था। प्रणव जब सेटल हुआ उसके बाद बाकी लोग भी अपने हिसाब से कुर्सी लेकर सेटल हुए। प्रणव को देखकर आधे लोग डर गए थे, खासकर कि वो फीमेल स्टाफ जिनको प्रणव ने एक ही बार में क्लीन बोल्ड कर दिया था उस रूम से भगाकर। वो लड़कियां प्रणव को अवॉइड कर रही थी और चुप से नीचे देखकर अपना खाना खा रही थी। सब अपने ही धुन में मगन थे। और यहाँ दूसरी तरफ दिनेश के मन में लड्डू फूट रहे थे। जब से अकीरा ने उसे स्माइल दी थी उसका दिल मानो कायल ही हो गया था अकीरा पर। उस स्माइल के बाद से दिनेश के फेस पर अलग ही चमक थी। वो उस स्माइल से जैसे मेस्मराइज हो गया था। दिनेश बहुत ही मजाकिया इंसान था, खास करके ऐसी ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और मजाक करने की आदत काफी इम्प्रेसिंग थी और अटेंशन सीकर भी थी। उसने प्रणव और अकीरा के बीच की वो चुप्पी वाली नोकझोंक नोटिस नहीं की और उसे इनके बीच कुछ हुआ है उसका अंदाजा भी नहीं था। वो अकीरा के प्लेट से फूड शेयर कर रहा था और उसे जोक्स और स्टोरीज बताए जा रहा था। अकीरा उसके जोक्स पर फूट फूट कर हंस रही थी और उसकी स्टोरीज भी उसे इंटरेस्टिंग लग रही थी। मतलब देखा जाए तो अकीरा को उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी, वो उसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। लेकिन जब अकीरा उसके साथ एंजॉय कर रही थी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि प्रणव को अवॉइड करे और उसे अवॉइड करते हुए उसे इग्नोर करने की कोशिश में वो दिनेश के जोक्स पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही थी। जितनी बार वो हंस रही थी उतनी बार अंदर ही अंदर उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर हर हंसी के साथ एक नया छेद होता जा रहा था जो उसे अब थोड़ी देर बाद भारी पड़ने वाला था।
जैसे ही उसने फिर ऊपर देखा, उसकी आंखें प्रणव की काली गहरी आंखों से मिली। प्रणव पहले ही उसे घूर रहा था और उसे एक डार्क और एनोइंग लुक दे रहा था। प्रणव वह कनन की कंपनी एंजॉय करते हुए अल्कोहल पी रहा था। प्रणव अपने एटीट्यूड में बैठा हुआ था। उसके आसपास एक कोल्ड ऑरा क्रिएट हो गई थी। कोई भी एम्प्लॉय उससे बात नहीं कर रहा था। किसी में भी आज जो हुआ उसके बाद उससे बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। प्रणव अपनी जगह पर बैठकर बस अकीरा को ऑब्जर्व कर रहा था और ओकेशनली करण से थोड़ी बहुत बातें कर रहा था। उसके फीचर्स हर बार की तरह अपीलिंग लग रहे थे। वो एक प्रिंस की तरह लग रहा था। लुक्स के हिसाब से, उसकी हरकतों से ही उसके गुस्से और रूडनेस का पता चल रहा था और सब उसे देख पा रहे थे। प्रणव ड्रिंक करते करते अकीरा को देखे जा रहा था और उसे बाकी लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि वो क्या सोचेंगे। वो सबके सामने सीधे सीधे अकीरा को देखे जा रहा था। उसके मन में कोई डर बिल्कुल नहीं था। उसे लोगों की कोई परवाह बिल्कुल नहीं थी और वो बेपरवाह होकर अकीरा को डार्क लुक दिए जा रहा था और अकीरा उसे इग्नोर किए जा रही थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब अकीरा की आंखें उसकी आंखों से एक्सीडेंटली मिली और तब वो फ्रीज हो गई थी। उसकी डार्क और डीप आंखें जैसे उसे वार्निंग दे रही थी। प्रणव जिस तरह उसे देख रहा था, उसे अकीरा क्या कोई और लड़की होती तो वो भी एंशियस हो जाती और साथ ही इस तरह फ्रीज हो जाती। अकीरा अब प्रणव के लुक की वजह से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो ऐसे उठकर यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। उतने में अचानक दिनेश की आवाज आई, अकीरा तुम गेस कर सकती हो कि इनमें से ऐसी कौन सी डिश है जो मैंने बनाई है। अकीरा ने अपने आप को स्टेबल किया। उसकी आवाज सुनकर वो प्रणव वाले डर से इमेजिनेशन से बाहर आई और एक झटके में अपने आप को उसने स्टेबल किया और वो डाइनिंग टेबल पर यहाँ वहाँ देखने लगी थी। फिर उसने अपने चम्मच से डिश की तरफ पॉइंट किया और बोला, शायद ये वाली वो डिश हो सकती है। अकीरा ने बिना कुछ सोचे ऐसे ही डिश की प्रेजेंटेशन देखकर ही बोल दिया था। ये सुनकर दिनेश स्माइल करने लगा और वो खुश हो गया था कि अकीरा ने इतने अच्छी तरीके से इस डिश को गेस कर लिया। वाओ अकीरा, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। तुमने बखूबी पहचाना है। अब उसे देखती ही रहोगी क्या? लो टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। उसने अकीरा के लिए एक पीस उठाकर उसके प्लेट में पास कर दिया था। अकीरा ने उस पीस का एक बाइट लिया और उसे टेस्ट करते हुए बोला, इतनी बुरी भी नहीं है ये। प्रणव अकीरा को देखकर अजीब एक्सप्रेशन दिए जा रहा था। उसने ग्लास की पूरी अल्कोहल एक ही बार में गटकी और वो अकीरा के उस डिश के लिए रिव्यू देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था। वो कंटिन्यूअसली उसे गुस्से वाले एनोइंग एक्सप्रेशन दिए जा रहा था। ये लड़की सच में बहुत स्मार्ट है। इसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन्हें सीड्यूस करना बहुत अच्छे से आता है। समीर अभी भी मुंबई में जिंदा है और इसे देखो, यहाँ इसने अपने लिए एक नया फरिश्ता ढूंढ लिया है। उसके साथ इतने अच्छे से हंस खेल रही है। उन दोनों ने तो जैसे प्रणव और बाकी लोगों के एक्सटेंशन को इग्नोर कर दिया था। वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक करके खेल रहे थे। उन्हें बाकी लोगों के यहाँ होने से कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। वो अपने ही अलग धुन में मस्त थे। अकीरा आज तक प्रणव के साथ इस तरह नहीं रही थी। इस लड़के के साथ वो इतने अच्छे से हंसी मजाक कर रही थी, ऐसे स्माइल कर रही थी। प्रणव अब ये सब नहीं देख पा रहा था। वो बहुत देर से ये सब चीजें टॉलरेट कर रहा था और उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। अकीरा उस दिनेश की बनाई हुई डिश मजे से खा रही थी और प्रणव ने उसे नोटिस किया और वो अब इस चीज को और टॉलरेट नहीं कर सकता था। उसके हाथ में कांच का ग्लास था और उसने उस ग्लास पर अपने हाथ की ग्रिप गुस्से में एकदम टाइट कर ली थी और उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने रियलाइज नहीं किया कि उसने ग्लास को इतने टाइटली पकड़ा हुआ है। उसके गुस्से और टाइट ग्रिप में उस रूम में अचानक जोर की आवाज आई और वो पूरा रूम उस आवाज से शांत हो गया था। वो आवाज प्रणव के हाथ से ग्लास टूटने की थी। आउच! सब लोग प्रणव की इस हरकत को देखकर डर गए थे।
सब लोग प्रणव को म्यूजियम की मम्मी की तरह देखने लगे थे। उस कप के टूटने की आवाज से ज्यादा डरावने प्रणव के एक्सप्रेशन थे। प्रणव के एक्सप्रेशन देखकर सब चुप थे और कोई कुछ बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रहा था। प्रणव का हैंडसम फेस, जिसके फीचर्स अपीलिंग थे, वो अब हर्टिंग लग रहे थे। उसकी आंखें टेंस लग रही थी और उसके अंदर एक गुस्से की अलग ही आग उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रणव अपनी जगह से उठकर अकीरा को अपने गुस्से की आग में जिंदा जला देगा। बाकी की फीमेल एम्प्लॉइज जो नए आए थे और दिनेश, उनको कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा आखिर हुआ क्या है। उनको भी अब इस सीन के बाद खुद ब खुद पता चल गया था कि अकीरा और उनके स्पॉन्सर के बीच कुछ फिशी था। कुछ तो चल रहा था उन दोनों के बीच में जो ये समझ नहीं पाए थे। कनन प्रणव के लिए बहुत कंसर्न हो गया था। मिस्टर प्रणव, आपका हाथ। उसने दिनेश को एक वियर्ड लुक दिया। इस दिनेश को कोई बात समझ नहीं आती क्या? वो ऐसे कैसे हमारे एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर को इरिटेट कर सकता है, इंस्टिगेट कर सकता है। दिनेश इस बार बिल्कुल इनोसेंट था। उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसने कभी इन सब के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके फेस पर बेचारे वाले एक्सप्रेशन थे। उसे बुरा भी लग रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने थोड़ी ना ये सब पर्पसली किया है। अकीरा के अंदर प्रणव के लिए अभी भी बहुत गुस्सा भरा हुआ था। प्रणव ने जिस तरह लोगों को जमा किया था और उसके साथ ये गंदा मजाक किया था, उसके बाद वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। जिस तरह प्रणव ने उसका मजाक बनाया था, उसके बाद अकीरा के अलावा भी और कोई लड़की होती तो उसे भी बुरा लगता। प्रणव का हाथ उस ग्लास के टूटने की वजह से खून से लथपथ हो गया था। अकीरा कोई अपनापन नहीं दिखाना चाहती थी लेकिन वो प्रणव की मदद भी करना चाहती थी। उसने स्वीटी को टेबल के नीचे से किक किया और उसे इशारा किया कि वो जाकर प्रणव के लिए फर्स्ट एड किट लेकर आए। स्वीटी चाहे कितनी भी डम हो लेकिन वो इतना समझ गई थी कि अकीरा का जरूर प्रणव से कोई झगड़ा हुआ है, इसीलिए वो खुद प्रणव के लिए कुछ नहीं कर रही थी। अकीरा की दूसरे किक पर स्वीटी तुरंत ही उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई थी। इन सब के बीच अकीरा अब खा नहीं पा रही थी और ऐसे ही उसकी भूख मर चुकी थी। वो अपनी सीट से उठी और उसने कनन को जाकर बोला कि वो बहुत थक गई है और फिर वो अपने रूम में आराम करने चली गई थी। अकीरा अपने रूम में जा ही रही थी कि तब उसके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही थी और उससे प्रणव पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। प्रणव ने आज उसको उस हरकत से पूरी तरह तोड़ दिया था। अकीरा सोचने लगी, क्या प्रणव ही वो लड़का था जिसने 9 साल पहले अकीरा की जान बचाई थी उन किडनैपर से? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या उन दोनों की किस्मत इनसे पहले उन्हें मिलाना चाहती थी? ये किस तरह का संजोग है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकीरा अपने रूम में जाते हुए रास्ते में चलते चलते अपने मेसी और अनक्लियर थॉट्स में डूबी हुई थी। वो उन बातों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और इसी ख्याल के चक्रव्यूह में वो फंसती ही जा रही थी। उसने नोटिस नहीं किया कि पीछे से उसे कोई फॉलो कर रहा है। वो अपने रूम के बाहर पहुंची और वो रूम का दरवाजा खोलने ही जा रही थी कि अचानक उतने में पीछे से किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया था। अकीरा शॉक हो गई थी और अपने ख्यालों से एक ही झटके से बाहर आ गई थी। वो कुछ रिएक्ट करती या अपने आप को डिफेंड करती, उससे पहले ही एक बड़े हाथ उसके मुंह को कवर कर लिया था। उस हाथ में से ब्लड की स्मेल भी आ रही थी। अकीरा स्ट्रगल करे उससे पहले ही उसने कान में एक कोल्ड और हैवी आवाज गूंजी, चिल्लाना मत, चुप से चलो, मैं हूँ। प्रणव ने उसे बताया कि वो है और उसने उसके मुंह से हाथ हटा दिया। अकीरा के स्टेबल होने के बाद प्रणव ने उसको आसानी से एक प्रिंसेस की तरह ऊपर अपनी बाहों में उठा लिया था। प्रणव के लिए ये कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं था। वो उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगा। अकीरा को कोई आइडिया नहीं था कि प्रणव क्या कर रहा था। तुम मुझे किधर ले जा रहे हो? प्रणव ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उसने सिर्फ एक इग्नोर वाले एक्सप्रेशन दिए और वो फास्ट, बहुत तेजी से चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई ट्रेन या बस छूट रही हो। अकीरा ने उसे इस तरह बिहेव करते हुए देखकर उसे जोर से अपने हाथ से उसके शोल्डर और चेस्ट पर साइमल्टेनियसली पंच किया। अकीरा का ये पंच मस्ती वाला बिल्कुल नहीं था। वो गुस्से में थी और प्रणव की इस हरकत से इरिटेट हो रही थी।
प्रणव उसे होटल के पीछे वाले एरिया में लेकर गया था। वो एक छोटे जंगल की तरफ जा रहे थे। अभी बारिश रुक चुकी थी। वो फॉरेस्ट बहुत ही शांत और काम लग रहा था। वहाँ नजारा भी बहुत खूबसूरत था। बारिश की हल्की हल्की मिट्टी वाली खुशबू आ रही थी और ये माहौल किसी को भी गुस्से से शांत कर देना बिल्कुल ऐसा वाला था। अकीरा उस नेचर को इग्नोर करते हुए प्रणव की बाहों से उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी। प्रणव ये सब क्या कर रहा था? उसे अपने हाथ पर पट्टी बांधकर आराम करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ उसके साथ क्या कर रहा था? प्रणव उसे पेड़ के अगेंस्ट लीन करके खड़ा हो गया था और अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और उसे चालू बंद करने लगा था। इस अंधेरे रात में चांदनी और उस लाइट की हल्की फ्लेम, प्रणव बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके फीचर्स भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। तुमने क्या सोचा, मैं मर गया हूँ? जब तुम इस लड़के के साथ इतने ओपनली फ्लर्ट कर रही थी, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? अकीरा पहले तो समझ नहीं पाई थी कि प्रणव किसकी बात कर रहा था, वो बोलना क्या चाहता था। फिर सिचुएशन एनालाइज करने के बाद उसके दिमाग में बातें चलने लगी। तुम अपने दिमाग में कुछ अच्छे ख्याल नहीं ला सकते? थोड़ी अच्छी बातें नहीं सोच सकते क्या किसी के भी बारे में? मैं अगर किसी लड़के से बात कर रही हूँ, उसका ये मतलब है कि मैं फ्लर्ट कर रही हूँ? प्रणव का हैंडसम फेस अब वियर्ड फेस लग रहा था अकीरा को। कोई ऐसे फालतू चीजें सोच भी कैसे सकता था? प्रणव ने उसे एक सार्कास्टिक लुक दिया और बोला, कोई आधा घंटा वहाँ होता ना, तो वो भी समझ जाता कि उस लड़के को तुम में इंटरेस्ट है। अकीरा को प्रणव पर अब और भी गुस्सा आ रहा था। वो उसकी बात और नहीं सुनना चाहती थी। उसने उसको इतने लोगों के सामने ऐसे पागल बनाया था और साथ ही उसका मजाक भी बनाकर रख दिया था। उसने प्रणव को एक गुस्से वाला लुक दिया और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। प्रणव को आंखों में देखते हुए अकीरा ने उसे जोर से चिल्लाकर बोला, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है क्या? तुम्हें मुझे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हो। आज तुमने इतने सारे लोगों को क्यों जमा किया था? मुझे हेल्पलेस और रोते हुए देखकर अच्छा लगा था क्या? प्रणव ने लाइटर को फिर अपने पॉकेट में रखा और अगले ही सेकंड में अपने हाथ को आगे स्ट्रेच करके अकीरा को अपने पास अपनी बाहों में खींच लिया था। उस जगह पर बहुत अंधेरा था और ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। उनको एक दूसरे की शक्ल भी मुश्किल से दिख पा रही थी और उस हालत में भी प्रणव ने एकदम एक्यूरेटली बराबर से अकीरा को होल्ड किया और उसने अपने पास खींच लिया था। अकीरा को लग नहीं रहा था कि प्रणव इतनी आसानी से अंधेरे में भी उसे अपने पास खींच लेगा। अकीरा उसकी बाहों में कुछ सेकंड्स के लिए खो गई थी। उसे अपनी नाक में प्रणव के पुल और फोर्स की वजह से पेन होने लगा था। उसने अपनी नाक प्रणव के फॉर्म चेस्ट पर रब की क्योंकि प्रणव उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उतने में ही प्रणव ने उसके सर पर ऊपर अपनी चिन को रखते हुए बहुत ही लो वॉइस में बोला, हो अच्छा, तो अब तुम अपने आप को मेरी बॉडी पर इम्पोज कर रही हो। अच्छा ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकीरा आज से पहले इतने बड़े बेशरम इंसान से नहीं मिली थी। उसने अकीरा को अपने पास अपनी बाहों में खींच लिया था ना, अब बोल रहा है कि अकीरा ने उसके ऊपर अपनी बॉडी को इम्पोज किया है। कितना झूठा और बेशरम इंसान है ये, बेशरम कहीं का। अकीरा ने अपने आप को उससे डिटैच किया और वो अपने नाक को रब करते हुए टर्न हुई और रिटर्न होटल में जाने लगी। अकीरा एकदम आगे बढ़ ही रही थी कि उतने में प्रणव ने उसके सिलेंडर वेस्ट को पीछे से पुल कर लिया था। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसकी वजह से अकीरा उसके एक्सप्रेशन रीड नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि प्रणव के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे सिर्फ इतना पता था कि प्रणव की आंखें उस पर है और वो फील कर पा रही थी कि प्रणव की काली गहरी आंखें उसे घूरे जा रही थी। उतने में प्रणव ने अकीरा को नॉर्मल टोन में बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 साल पहले तुम इतनी मोटी और गंदी दिखती होगी। अकीरा कुछ जवाब दे उससे पहले वो अपने हाथ से अकीरा के फेस पर उसे यहाँ वहाँ पूरे फेस पर पिंच करने लगा था। तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है क्या? अकीरा को गुस्सा भी आ रहा था और वो शर्मिंदा भी हो रही थी। उसने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाकर जोर से नीचे झटका और उसे गुस्से में बोलने लगी, क्या सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और वो भी मैं? तुम मेरी बात रहने दो, खुद की बात करो। खुद को देखा है तुमने? तुम पहले से ही ऐसे हो, गुस्से वाले और एरोगेंस से भरे हुए। 9 साल पहले भी तुम इसी तरह बिहेव करते थे,
और आज भी वैसे ही हो। मुझे तो समझ नहीं आता लड़कियों को तुम्हारे अंदर दिखता क्या है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो तुम्हें किस बेसिस पर पसंद करती है। प्रणव ने अपने पैर बेंड किए और वो अकीरा के फेस के लेवल के पास अपने फेस को लेकर आया था। प्रणव का हैंडसम फेस अकीरा की ब्यूटीफुल फेस के बिल्कुल सामने था। वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे लेकिन एक दूसरे को फील जरूर कर पा रहे थे। वो एक दूसरे की गर्माहट, एक दूसरे की सांसें भी फील कर पा रहे थे। उस अंधेरे और शांत रात में वो दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे लेकिन वो दोनों एक दूसरे की अनकही बातें समझ पा रहे थे। अकीरा ने अपना सर को थोड़ा पीछे किया और प्रणव ने उस मोमेंट को बिना देखे ही उसे अंधेरे में भाप लिया था। अकीरा इससे पहले कि पूरा पीछे होती, प्रणव ने अपने हाथ से उसको आगे अपने फेस के पास खींच लिया था। प्रणव ने अपने फेस आगे किया, इस बार उसका और अकीरा का फेस एक बार फिर बहुत क्लोज था। उन दोनों के लिप्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। अकीरा इस इंटिमेसी में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। अकीरा ने प्रणव को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश की और उसे बोला, प्रणव अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे इतने क्लोज मत आओ, थोड़ा दूर होकर बात करो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रणव ने अकीरा को लिप्स पर बाइट किया और उसे लो और सीरियस टोन में बोला, उस खाई में मैं सच में गिर गया था, लेकिन फिर मैंने अपनी ताकत, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैं बच गया। अब मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें पता चल गया है कि वो लकी बटन मेरा है, तो तुम मेरी जाने के बाद तुम मेरे पीछे जरूर मुझे मनाने, कन्विंस करने, मुझसे बात करने आओगी ही। और देखो तुम मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी। अगर मैं सच में गहराई में गिर जाता, मुझे उधर कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? तुम्हारे एक्सप्रेशन क्या होते? वो मैं सच में देखना चाहता था। प्रणव अच्छे मूड में लग रहा था। उसने अपनी बात खत्म की और खुद ही हंसने लगा। ये हंसी बिल्कुल उसके अंदर से दिल से निकल रही थी। अकीरा दूर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। उतने में प्रणव ने कंटिन्यू किया, जब मैंने उधर तुम्हें उस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा, वो भी मेरे लिए, वो देखकर मुझे लगा कि मेरी चॉइस कोई इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं मतलब तुम्हें सालों पहले बचाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया था। प्रणव ने उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। अकीरा ब्रेथलेस फील कर रही थी और उसे अभी भी अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। अकीरा ने अपने हाथ उसके चेस्ट पर रखे और उसे दूर पुश करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो ट्राई कर रही थी कि वो उसे और अपने पास यू पुल ना करे। वो दोनों ऐसे क्लोज खड़े थे कि उनके बीच कपड़ा होने के बावजूद वो उसकी फॉर्म और मस्कुलर चेस्ट और उसकी हार्ट बीट अपने चेस्ट पर फील कर पा रही थी। प्रणव की हार्ट बीट बिल्कुल अनस्टेबल नहीं थी, वो नॉर्मल लग रही थी। अकीरा इस टाइम खुद क्या फील कर रही थी वो समझ नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और डिसाइड किया कि वो अब प्रणव को इरिटेट नहीं करेगी उसके झूठ और ड्रामे के बारे में क्वेश्चन पूछ पूछ कर। उसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, ये उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। उसे अभी भी अपने आप पर शर्म आ रही थी, ये सोच सोच कर कि वो प्रणव के लिए कैसे रोई थी। उसने गहरी सांस ली और प्रणव को देखते हुए पूछा, अगर उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम वहाँ क्यों नहीं थे जब मैं होश में आई थी? जब मैं उठी तो उधर मेरे साथ सिर्फ समीर था। प्रणव ने उसे एक फर्म लुक दिया और सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, जब तुम्हें मैंने उन किडनैपर से बचाया था तब मुझे भी चोट लगी थी और तुम्हें याद तो है ही, तुम बहुत ही मोटी थी और तुम्हें बहुत हाई फीवर था। तुम्हें एक केव में सेफ रखकर मैं उन किडनैपर से लड़ते हुए दूर चला गया था और उनसे निपटने के बाद जब मैं रिटर्न आया तो मैंने देखा कि तुम वहाँ नहीं थी, तुम जा चुकी थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की उस समय। प्रणव की बातें सुनकर अकीरा को समझ आ गया था। उसने सिचुएशन को और उन बातों को रिलेट किया और पूरी गुत्थी सुलझा ली थी। इसका मतलब इतने सालों से वो गलत सोच रही थी। जब प्रणव ने उसे किडनैपर से बचाया उसके बाद उसने उस केव में रख दिया था और उनसे लड़ते लड़ते वहाँ से दूर चला गया था और उतने में समीर वहाँ आ गया और समीर उसे उठाकर घर ले गया था। अकीरा को पता था कि समीर एक एडॉप्ट किया हुआ लड़का है।
उसको जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था वो ओरिजिनली खंटर फैमिली को बिलोंग करता है और उसी वजह से वो आए दिन अपने दादाजी के साथ जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता था अपने शिकार को ढूंढते हुए। और उसी में उसने अकीरा को घर तक पहुँचाया जिससे ये सारी गलत फहमी पैदा हुई थी और अकीरा इतने सालों तक गलत इंसान और गलत सिचुएशन में जी रही थी। मैंने उस समय तुम्हें बचाते समय ये नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद तुम कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म होकर मुझे मिलोगी। मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रणव ने अकीरा के चिन को अपने हाथ से ऊपर लिफ्ट किया और अकीरा फील कर पा रही थी कि प्रणव स्माइल कर रहा है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उतने में प्रणव ने उससे बोला, अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम उसकी भरपाई करने के लिए क्यों ना मेरे साथ एक हसीन रात गुजारो। अकीरा प्रणव की बातों पर क्या रिएक्ट करे समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत से इमोशंस एक साथ फील कर पा रही थी। वो ये जानकर बहुत शॉक थी कि प्रणव वो इंसान है जिसने उसकी जान बचाई और दूसरी तरफ उसका ये बिहेवियर देखकर उसे फिर एक बार उसने उसे हेल्पलेस फील करा दिया था। कुछ बदला बिल्कुल नहीं था, सब कुछ अभी भी वैसा ही था बिल्कुल पहले जैसा। अकीरा पहले वो चीज इतने आसानी से भूल नहीं सकती थी, वो उन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो ये तो बिल्कुल नहीं भूल सकती थी कि प्रणव की जिंदगी में कोई और लड़की है और वो उसे सिर्फ एक रिप्लेसमेंट बनाकर यूज करना चाहता था। वो प्रणव को ऐसे माफ नहीं करना चाहती थी। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किए और अपने थॉट्स क्लियर किए और प्रणव को कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ तो क्या? प्रणव इतना इरिटेटिंग, एनोइंग और पर्सिस्टेंट क्यों था? उसे क्या सिर्फ बॉडी से मतलब था? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। प्रणव ने अकीरा के चिन पर अपनी ग्रिप टाइट कर ली थी और उसे जोर से पिंच करते हुए आंखों में देख कर बोला, अगर तुम ऐसा कुछ बोलती हो या करती हो तो भी तुम मुझसे बचकर यहाँ से तो जा नहीं सकती। अब अगर तुम लड़ोगी फिर भी तुम्हें पता है तुम मुझसे नहीं जीत सकती। क्या तुम्हें ये सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगा? तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे एक और बार कोशिश करके पूछने दो, क्या तुम मेरे साथ एक हसीन रात स्पेंड करना चाहोगी? प्रणव मन ही मन हंस रहा था। उसे लगा कि उसने अकीरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है और उसे लग रहा था कि अकीरा चुप खड़ी रहेगी, वो कोई रिप्लाई नहीं करेगी, वो बेचारी बनकर रहेगी। लेकिन प्रणव शायद गलत सोच रहा था। अकीरा ने तुरंत ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में देखकर उसे जवाब दिया, 9 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद आज तक रोज मैं अपने लाइफ सेवियर को याद करती आई हूँ। अब तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के बदले तुम्हें फेवर रिटर्न करने के नाम पर अपनी बॉडी दे सकती हूँ? तो मैं तैयार हूँ, मैं एक रात के लिए तैयार हूँ। ऐसा तो नहीं था कि अकीरा के साथ या अकीरा ने पहले ये किया ना हो। अब उसका एक बेटा भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसका पहली बार तो बिल्कुल नहीं था। उसके मन में प्रणव के लिए जो भी बातें थी, जो भी गुस्सा था, उसके बावजूद अकीरा ने उसके साथ रात बिताने की मंजूरी दे दी थी। जब उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए फोर्स किया गया था तब उसने ये सोच कर ही तो किया था ना। उसे सिर्फ उसके साथ एक रात बितानी थी, उसके लिए ही ये सब कर रहा था ना, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या इस जगह पर आना। प्रणव ये सुनकर थोड़ा शॉक था और उसकी ब्रेथ अनस्टेबल हुई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अकीरा के फेस के पास जाकर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ रात भर रहने के लिए रेडी हो? अकीरा प्रणव की अनस्टेबल ब्रेथ फील कर पा रही थी। उसे भी थोड़ा अनयूजुअल फील हो रहा था, जैसे उसने सोचा था प्रणव सिर्फ उसकी बॉडी को अपना बनाना चाहता था। तुम जिस तरह बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी है, वो देखकर तो यही लगता है कि जब तक तुम मेरे साथ रात भर जी भर कर अपनी मर्जी की चीजें कर नहीं लेते तब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगे, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। अकीरा ने एक पॉज लिया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए कंटिन्यू किया, अब अगर यही सच्चाई है तो मैं तैयार हूँ, दी तुम्हें एक रात, कर ले, लेकिन जब तुम्हारा हो जाए उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते नहीं आओगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई संजोग नहीं होगा।
प्रणव ने अपने पैर बेंड किए और वो अकीरा के फेस के लेवल के पास अपने फेस को लेकर आया था। प्रणव का हैंडसम फेस अकीरा की ब्यूटीफुल फेस के बिल्कुल सामने था। वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को फील जरूर कर पा रहे थे। वो एक दूसरे की गर्माहट, एक दूसरे की सांसें भी फील कर पा रहे थे। उस अंधेरे और शांत रात में वो दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की अनकही बातें समझ पा रहे थे। अकीरा ने अपना सर को थोड़ा पीछे किया और प्रणव ने उस मोमेंट को बिना देखे ही उसे अंधेरे में भाप लिया था। अकीरा इससे पहले कि पूरा पीछे होती, प्रणव ने अपने हाथ से उसको आगे अपने फेस के पास खींच लिया था। प्रणव ने अपने फेस आगे किया, इस बार उसका और अकीरा का फेस एक बार फिर बहुत क्लोज था। उन दोनों के लिप्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। अकीरा इस इंटिमेसी में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। अकीरा ने प्रणव को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश की और उससे बोला, प्रणव, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे इतने क्लोज मत आओ, थोड़ा दूर होकर बात करो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रणव ने अकीरा को लिप्स पर बाइट किया और उसे लो और सीरियस टोन में बोला, उस खाई में मैं सच में गिर गया था, लेकिन फिर मैंने अपनी ताकत, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैं बच गया। अब मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें पता चल गया है कि वो लकी बटन मेरा है, तो तुम मेरी जाने के बाद तो मेरे पीछे जरूर मुझे मनाने, कन्विंस करने, मुझसे बात करने आओगी ही। और देखो, तुम मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी। अगर मैं सच में गहराई में गिर जाता, मुझे उधर कुछ हो जाता, तो तुम क्या करती? तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? तुम्हारे एक्सप्रेशन क्या होते? वो मैं सच में देखना चाहता था। प्रणव अच्छे मूड में लग रहा था। उसने अपनी बात खत्म की और खुद ही हंसने लगा। ये हंसी बिल्कुल उसके अंदर से दिल से निकल रही थी। अकीरा दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। उतने में प्रणव ने कंटिन्यू किया, जब मैंने उधर तुम्हें उस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा, वो भी मेरे लिए, वो देखकर मुझे लगा कि मेरी चॉइस कोई इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं मतलब, तुम्हें सालों पहले बचाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया था। प्रणव ने उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। अकीरा ब्रेथलेस फील कर रही थी और उसे अभी भी अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। अकीरा ने अपने हाथ उसके चेस्ट पर रखे और उसे दूर पुश करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो ट्राई कर रही थी कि वो उसे और अपने पास यू पुल ना करे। वो दोनों ऐसे क्लोज खड़े थे कि उनके बीच कपड़ा होने के बावजूद वो उसकी फॉर्म और मस्कुलर चेस्ट और उसकी हार्ट बीट अपने चेस्ट पर फील कर पा रही थी। प्रणव की हार्ट बीट बिल्कुल अनस्टेबल नहीं थी, वो नॉर्मल लग रही थी। अकीरा इस टाइम खुद क्या फील कर रही थी वो समझ नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और डिसाइड किया कि वो अब प्रणव को इरिटेट नहीं करेगी उसके झूठ और ड्रामे के बारे में क्वेश्चन पूछ पूछ कर। उसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। ये उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। उसे अभी भी अपने आप पर शर्म आ रही थी, ये सोच सोच कर कि वो प्रणव के लिए कैसे रोई थी। उसने गहरी सांस ली और प्रणव को देखते हुए पूछा, अगर उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम वहाँ क्यों नहीं थे जब मैं होश में आई थी? जब मैं उठी तो उधर मेरे साथ सिर्फ समीर था। प्रणव ने उसे एक फर्म लुक दिया और सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। जब तुम्हें मैंने उन किडनैपर से बचाया था, तब मुझे भी चोट लगी थी और तुम्हें याद तो है ही, तुम बहुत ही मोटी थी और तुम्हें बहुत हाई फीवर था। तुम्हें एक केव में सेफ रखकर मैं उन किडनैपर से लड़ते हुए दूर चला गया था, और उनसे निपटने के बाद जब मैं रिटर्न आया तो मैंने देखा कि तुम वहाँ नहीं थी, तुम जा चुकी थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की उस समय। प्रणव की बातें सुनकर अकीरा को समझ आ गया था। उसने सिचुएशन को और उन बातों को रिलेट किया और पूरी गुत्थी सुलझा ली थी। इसका मतलब इतने सालों से वो गलत सोच रही थी। जब प्रणव ने उसे किडनैपर से बचाया, उसके बाद उसने उस केव में रख दिया था और उनसे लड़ते लड़ते वहाँ से दूर चला गया था, और उतने में समीर वहाँ आ गया और समीर उसे उठाकर घर ले गया था। अकीरा को पता था कि समीर एक एडॉप्ट किया हुआ लड़का है। उसको जिस फैमिली ने एडॉप्ट किया था, वो ओरिजिनली हंटर फैमिली को बिलोंग करता है, और उसी वजह से वो आए दिन अपने दादाजी के साथ जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता था अपने शिकार को ढूंढते हुए।
और उसी में उसने अकीरा को घर तक पहुंचाया, जिससे ये सारी गलत फहमी पैदा हुई थी। और अकीरा इतने सालों तक गलत इंसान और गलत सिचुएशन में जी रही थी। मैंने उस समय तुम्हें बचाते समय ये नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद तुम कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म होकर मुझे मिलोगी। मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रणव ने अकीरा के चिन को अपने हाथ से ऊपर लिफ्ट किया और अकीरा फील कर पा रही थी कि प्रणव स्माइल कर रहा है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उतने में प्रणव ने उससे बोला, अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम उसकी भरपाई करने के लिए क्यों ना मेरे साथ एक हसीन रात गुजारो। अकीरा प्रणव की बातों पर क्या रिएक्ट करे समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत से इमोशंस एक साथ फील कर पा रही थी। वो ये जानकर बहुत शॉक थी कि प्रणव वो इंसान है जिसने उसकी जान बचाई और दूसरी तरफ उसका ये बिहेवियर देखकर उसे फिर एक बार उसने उसे हेल्पलेस फील करा दिया था। कुछ बदला बिल्कुल नहीं था, सब कुछ अभी भी वैसा ही था बिल्कुल पहले जैसा। अकीरा पहले वो चीज इतने आसानी से भूल नहीं सकती थी। वो उन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो ये तो बिल्कुल नहीं भूल सकती थी कि प्रणव की जिंदगी में कोई और लड़की है और वो उसे सिर्फ एक रिप्लेसमेंट बनाकर यूज करना चाहता था। वो प्रणव को ऐसे माफ नहीं करना चाहती थी। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किए और अपने थॉट्स क्लियर किए और प्रणव को कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ तो क्या? प्रणव इतना इरिटेटिंग, अनोइंग और पर्सिस्टेंट क्यों था? उसे क्या सिर्फ बॉडी से मतलब था? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। प्रणव ने अकीरा के चिन पर अपनी ग्रिप टाइट कर ली थी और उसे जोर से पिंच करते हुए आंखों में देख कर बोला, अगर तुम ऐसा कुछ बोलती हो या करती हो तो भी तुम मुझसे बचकर यहाँ से तो जा नहीं सकती। अब अगर तुम लड़ोगी फिर भी तुम्हें पता है तुम मुझसे नहीं जीत सकती। क्या तुम्हें ये सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगा? तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे एक और बार कोशिश करके पूछने दो, क्या तुम मेरे साथ एक हसीन रात स्पेंड करना चाहोगी? प्रणव मन ही मन हंस रहा था। उसे लगा कि उसने अकीरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है और उसे लग रहा था कि अकीरा चुप खड़ी रहेगी, वो कोई रिप्लाई नहीं करेगी, वो बेचारी बनकर रहेगी। लेकिन प्रणव शायद गलत सोच रहा था। अकीरा ने तुरंत ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में देखकर उसे जवाब दिया, 9 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद आज तक रोज मैं अपने लाइफ सेवियर को याद करती आई हूँ। अब तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के बदले तुम्हें फेवर रिटर्न करने के नाम पर अपनी बॉडी दे सकती हूँ? तो मैं तैयार हूँ, मैं एक रात के लिए तैयार हूँ। ऐसा तो नहीं था कि अकीरा के साथ या अकीरा ने पहले ये किया ना हो। अब उसका एक बेटा भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसका पहली बार तो बिल्कुल नहीं था। उसके मन में प्रणव के लिए जो भी बातें थी, जो भी गुस्सा था, उसके बावजूद अकीरा ने उसके साथ रात बिताने की मंजूरी दे दी थी। जब उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए फोर्स किया गया था तब उसने ये सोच कर ही तो किया था ना। उसे सिर्फ उसके साथ एक रात बितानी थी, उसके लिए ही ये सब कर रहा था ना, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या इस जगह पर आना। प्रणव ये सुनकर थोड़ा शॉक था और उसकी ब्रेथ अनस्टेबल हुई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अकीरा के फेस के पास जाकर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ रात भर रहने के लिए रेडी हो? अकीरा प्रणव की अनस्टेबल ब्रेथ फील कर पा रही थी। उसे भी थोड़ा अनयूजुअल फील हो रहा था, जैसे उसने सोचा था प्रणव सिर्फ उसकी बॉडी को अपना बनाना चाहता था। तुम जिस तरह बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी है, वो देखकर तो यही लगता है कि जब तक तुम मेरे साथ रात भर जी भर कर अपनी मर्जी की चीजें कर नहीं लेते तब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगे, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। अकीरा ने एक पॉज लिया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए कंटिन्यू किया, अब अगर यही सच्चाई है तो मैं तैयार हूँ, दी तुम्हें एक रात, कर ले, लेकिन जब तुम्हारा हो जाए उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते नहीं आओगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई संजोग नहीं होगा। अकीरा ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके प्रणव ने जो सालों पहले उसकी जान बचाई थी उसकी भरपाई करेगी। प्रणव के चेहरे का रंग उड़ ही गया था, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। उसने बातें घुमाते हुए बोला, अच्छा
अब अगर मेरी जगह समीर ने तुम्हारी जान बचाई होती तो तुम उसे भी अपनी बॉडी इतनी आसानी से ऐसे ही दे देती? अकीरा एक सेकंड के लिए पहले तो ये सुनकर शॉक हो गई थी, लेकिन उसने प्रणव की ट्रिक प्रणव पर आजमाई और खांसते हुए प्रणव को एक इररिलेवेंट स्मर्क देते हुए बोला, अब अगर मेरी जान बचाने वाला समीर होता तो वो ऐसी गंदी और घटिया चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। उसकी फितरत तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। उसकी बात छोड़ो, तुम्हारे दिल में तो तुम मुझे एक पुतला समझते हो ना, मेरा सिर्फ वही एक दर्जा है ना। प्रणव ने ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कभी अकीरा के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में सोचा भी नहीं था। उसे फोर्स करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन उसने सिर्फ इसीलिए कराया था क्योंकि अकीरा उसके टेस्ट को मैच करती थी, उसे उसकी जैसी लड़कियां पसंद थी। लेकिन अकीरा ने जब खुद को एक पुतला बोला तब प्रणव को इतना बुरा क्यों लग रहा था? उसकी बातें प्रणव को कांटे की तरह क्यों चुभ रही थी? इतना दर्द क्यों हो रहा था उसे? प्रणव के एक्सप्रेशन अब कोल्ड से डेंस हो गए थे और उसकी गहरी काली आंखें भी डार्क हो गई थी। उसने अपने हाथ की ग्रिप अकीरा के वेस्ट पर टाइट की और बिना कुछ बोले अकीरा को अचानक से पेड़ के अगेंस्ट घुमाकर पिन कर दिया था। प्रणव ने अचानक अपनी और अकीरा की जगह बदल दी थी। ये अकीरा रियलाइज करती उतने में वो उस पेड़ के अगेंस्ट खड़ी थी। अकीरा की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और वो जैसे पूरी ब्लैंक हो गई थी। उस पेड़ पर जब प्रणव ने उसे पुश करके पिन किया, उसके शोल्डर पर उसे एक जर्क फील हुआ और वो उसके सर तक उसे पेन हो रहा था। प्रणव ने अकीरा के फेस को देखा और पहले तो कुछ बोला नहीं, फिर उसने अकीरा को ओवरबेयरिंग और डोमिनेटिंग तरीके से किस करना चालू कर दिया था। प्रणव ने इस बार भी हर बार की तरह अपनी चलाई और अकीरा के बारे में सोचा भी नहीं था। ये हर बार की तरह एक इमिडेंट और डोमिनेटिंग किस थी। वैसे प्रणव इस मौके को हाथ से क्यों जाने दे, इस बार तो अकीरा ने अपने आप से इस चीज के लिए मंजूरी दी थी। अकीरा खुद इस चीज के लिए उसे परमिशन दे चुकी थी। प्रणव तो हमेशा से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट रहा है, वो हमेशा से उसे पाना चाहता था। फाइनली आज वो दिन आ गया था, वो उसे दिलो जान से पाना चाहता था। वो सपने में भी उसे ऐसे ही इमेजिन करता था, सपनों में भी वो उसे दूर नहीं रह पा रहा था। वो उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो चुका था कि उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। प्रणव ने आज तक ऐसे किसी और के लिए फील नहीं किया था। इसके अलावा इस लेवल के अट्रैक्शन की वो सोते जागते बस उसी के बारे में सोचता था। ऐसी फीलिंग उसे आज तक किसी और के लिए फील नहीं हुई थी और ना ही कोई इसे फील करा पाया था। अकीरा ही एक ऐसी लड़की थी जिसने प्रणव को इस तरह पागल कर दिया था। अपनी खूबसूरती से वो बस उसको चेस करने के बारे में सोचता रहता था। प्रणव की किस इतनी डीप और स्ट्रॉन्ग थी कि हर किस में अकीरा अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही थी। ये हर बार से ज्यादा इंटेंस और डेंस किस थी। अकीरा की बॉडी में जैसे कोई करंट फ्लो हो रहा हो। वो इस किस की इंटेंसिटी में अपने आप को पूरी तरह जलता हुआ महसूस कर रही थी। प्रणव ने किस करते करते उसे फोर्स किया और उसे फोर्सफुली अपने लिप्स ओपन करने पड़े थे। प्रणव ने उसके टंग को भी नहीं छोड़ा था, वो उसे भी सक किए जा रहा था। प्रणव की ही तरह उसकी किस भी डोमिनेटिंग और ओवरपावरिंग थी। प्रणव ने अकीरा को ब्रेक करने का भी चांस नहीं दिया था, वो उसे कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। प्रणव का हाथ अकीरा के वेस्ट पर था और उसने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और वार्म डिजायर के साथ उसे कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। प्रणव जो फोर्स से अकीरा के ऊपर अपने आप को इम्पोज कर रहा था वो इतना स्ट्रांग था कि ऐसा लग रहा था कि प्रणव यहीं पर अकीरा को मेल्ट कर देगा। अकीरा के लिप और टंग नम हो चुके थे, उसे पेन हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इस बार तो वो स्ट्रगल भी नहीं कर सकती थी, ये सब उसकी मर्जी से ही तो हो रहा था। उतने में प्रणव ने उसे किस करते करते उसके वेस्ट से ही अपने हाथ से उसे ऊपर उठा लिया था। अकीरा ने जैसे ही अपने पैरों को हवा में रियलाइज किया, उसने रिफ्लेक्स में अपने हाथ प्रणव के गले पर रैप कर लिए सपोर्ट लेने के लिए। अकीरा की पूरी बॉडी और वेट प्रणव के ऊपर था और प्रणव ने उसे सिर्फ अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। अकीरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसे फोर्सफुली अपने पैरों को प्रणव के वेस्ट के ऊपर रैप करना पड़ा था। वो खुद अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रही थी
और उसके लिए उसे प्रणव के वेस्ट के ऊपर अपने पैर रैप करने पड़े थे। लेकिन अब प्रणव और अकीरा के सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। ये शायद पहली बार था और बहुत ही ज्यादा इंटीमेट था। उसके पार्ट्स के बीच में सिर्फ कपड़ों की लेयर थी और वो दोनों उसे फील कर पा रहे थे। अकीरा कॉन्शियस हो गई थी, मानो उसकी बॉडी का पूरा ब्लड जैसे उसके फेस पर आ गया हो। ऐसा लग रहा था बिल्कुल उसका फेस पूरी तरह इस रात के अंधेरे में ही रेड हो गया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे अकीरा ब्लश कर रही थी। इस अंधेरी रात में भी उसका ग्लो नोटिस हो रहा था। अकीरा ऐसे अपने आप को उसे सौंपने के लिए तैयार थी, लेकिन क्या वो सच में तैयार थी? वो बहुत डरी हुई थी। बोलने के लिए उसने बोल तो दिया था, लेकिन अब जब एक्सक्यूशन की बात आई तब वो डर सी गई थी, सहम सी गई थी। जब अकीरा ने ये पहली बार किया था तब वो होश में नहीं थी। उसे उस टाइम पर क्या हुआ था और कैसे हुआ था कुछ कॉन्शियसली याद नहीं था। वो सब जिस समय हुआ था तब वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग ही उसके कंट्रोल में नहीं था। उस टाइम पर क्या और कैसे फील हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। बस उसे एक बात पता थी और वो ये, जो भी हुआ था उसके बाद उसे पेन बहुत हुआ था। वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। जब अकीरा ने उस टाइम के बारे में सोचा, उस पेन को याद करने की कोशिश की, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी और प्रणव के अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगी थी। ऐसे स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं है, ये करना बंद करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, उसे टॉलरेट कर सकता हूँ, प्रणव की बहुत ही ऑथोरेटिव आवाज में उसने बोला। अकीरा प्रणव से बढ़ते हुए डेंजर को फील कर पा रही थी। अकीरा इतनी डर गई थी कि उसने सच में मूव करना बंद कर दिया था। उन दोनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे और उनकी बॉडी में भी बहुत हलचल थी। वहाँ की हवा का टेम्परेचर भी समय के साथ साथ बढ़ते जा रहा था, हॉट, बहुत ही ज्यादा हॉट। उतने में अकीरा के दिमाग में वो सीन रिपीट होने लगा। उसे याद आने लगा जब उसने उस सुनसान आइलैंड पर उस केव में प्रणव की बॉडी को हॉट रखने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया था। अकीरा उस चीज को सोचकर और उसके उस पार्ट के बारे में सोचकर अभी और भी डर रही थी। अकीरा उसे हैंडल भी कैसे करेगी? लेकिन अब वो चाहे जितना डर रही हो, वो अपने बोले हुए शब्द रिटर्न नहीं ले सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। प्रणव ने उतने में अकीरा को एक हाथ से सपोर्ट किया और उसका दूसरा हाथ अकीरा के एब्डोमेन पर था। वो अपना हाथ उधर घुमा रहा था और धीरे धीरे उसका हाथ मूव किए जा रहा था। अकीरा को प्रणव के उस टच से अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील हो रहे थे। उसकी पूरी बॉडी स्टीफ हो गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका हाथ जो प्रणव के गले पर था, उसने उसे और भी जोर से पकड़ लिया था। प्रणव के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, उसके ग्रिप से वो सफोकेट हो रहा था। प्रणव ने उसे लिप्स पर बाइट किया और लो वॉइस में बोला, तुम क्या करना चाहती हो, मेरी जान लेना चाहती हो क्या? अकीरा ने अपने हाथ प्रणव के नेक के पास लूज किए और वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। प्रणव अकीरा को इस तरह उसकी बातें मानते हुए और शांत देखकर और एक्साइटेड हो गया था। उसके अंदर का जुनून उसकी तरफ और बढ़ने लगा था। प्रणव ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे फिर से रेटलेसली किस किया। उन दोनों की टंग आपस में इंटरवाइन हो रही थी और अकीरा अब अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे टर्न होने लगी थी। अकीरा की ब्रेथ अनस्टेबल और रैपिड होने लगी। प्रणव ने उसके स्लो मूव्स को भी नोटिस किया था। प्रणव उसके नेक पर किस करने जा रहा था तब उसने नोटिस किया कि अकीरा कैसे अनस्टेबल हो रही थी और उसने उसके ईयर्स पर उसे किस किया और लो वॉइस में उसके कान में विस्पर किया, अगर एक किस से तुम्हारा ये हाल है तो मैं तो सोच रहा हूँ कि जब सच में हम दोनों एक्शन में होंगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम कैसे हैंडल करोगी? मुझे तो लगता है कि तुम 3 दिन और 3 रात बेड से उठ ही नहीं पाओगी। तुमने सच में अपने उस बच्चे को पैदा किया है क्या? अकीरा को किसिंग के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसके लिए ये किस भी डोमिनेटिंग थी। उसे उस रात नशे में उस होटल में फोर्सफुली वो सब करना पड़ा था जिसकी वजह से अथर्व उसकी जिंदगी में आया था। उसने आज तक और किसी के साथ वैसा कुछ भी नहीं किया था। वो बिल्कुल प्रणव की तरह नहीं थी,
उसके पास प्रणव के जितने अच्छे टेक्निक्स और किसिंग स्किल्स भी नहीं थे। उसके पास प्रणव के जितना दिमाग या स्किल्स नहीं थे कि वो किसी के बॉडी के सेंसिटिव पार्ट को ढूंढ पाए। प्रणव जब वो बोल रहा था कि उसके साथ होने के बाद वो 3 दिन और रात तक बेड से नहीं निकल पाएगी, तो तब ऐसा ही लग रहा था जैसे प्रणव के लिए ये बहुत नॉर्मल और आसान सी चीज थी और वो इस चीज को लेकर काफी एक्सपीरियंस भी था। जब उसने प्रणव और किसी और लड़की को उस तरह इमेजिन किया, तब उसे कुछ अजीब फील होने लगा था। वो इस सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी। वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी। अकीरा ऐसे प्रणव को कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे कोई हक नहीं था उसे उस बारे में बोलने का। ये सब सोचकर अकीरा की बॉडी जितनी भी हीट हुई थी तुरंत ही नॉर्मल बल्कि कोल्ड हो गई थी। उसने प्रणव को रोते हुए नॉर्मल और कॉन्फिडेंस टोन में बोला, मिस्टर प्रणव, क्या हम ये किसी और दिन कर सकते हैं? अकीरा का एक बेटा था लेकिन वो इन सब चीजों को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। वो ऐसे ही इतनी आसानी से अपनी बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दे सकती थी। अकीरा के हिसाब से तो प्रणव के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो उसके लिए एक खिलौना ही था। वो तो बस उसे पाना चाहता था, फिर चाहे वो कहीं भी हो। देखा जाए तो प्रणव ने भी इस बारे में सोचना चाहिए था। उस जगह पर कोई कैसे, यहाँ तो एक ढंग का बेड भी नहीं था और कोई भी लड़की ऐसे कुछ करना नहीं चाहेगी, वो भी इतने अंधेरे में, ऐसे गंदे और घने फॉरेस्ट में। ये तो किसी के लिए भी एक सेटबैक होगा। प्रणव को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो इस टाइम पर इस सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऊपर से अकीरा फिर एक बार अपने आप को इस तरह से समझा रही थी। शायद वो सोचती थी कि प्रणव उसको एक खिलौना समझता था और उसकी वजह से वो डर रही थी। प्रणव ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारा और उसके फेस को प्यार से पैट करते हुए बोला, कल मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और मैं संडे को रिटर्न आऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे मेरे पास होने का वेट करूंगा। अकीरा प्रणव की बातें सुनकर अच्छा भी फील कर रही थी और वो शॉक भी थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज रात इतना आगे बढ़ने के बाद जब वो प्रणव को रोकने को बोलेगी तो वो उसकी बात सुन लेगा, वो उसे फोर्स ना करके बल्कि उसे उसकी स्पेस देगा। अकीरा मन ही मन में ये सोच रही थी और उसके एक्सप्रेशन अंधेरे की वजह से प्रणव देख नहीं पा रहा था। अकीरा कुछ बोल नहीं रही थी, इसे प्रणव ने अस्यूम कर लिया था कि वो उसके इस बिहेवियर को देखकर सरप्राइज होगी। उसने एक हल्की और टेंजिंग हंसी दी और फिर अकीरा को बोला, क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम बुरा फील कर रही हो या तुम अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो कि हम आज रात को एक साथ नहीं, तुम्हारे बोलने की वजह से? अकीरा कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल स्पीचलेस थी। प्रणव इतनी बुरी तरह ऐसे अनोइंग होकर कैसे बिहेव कर सकता था? प्रणव उसके फेस को देख नहीं पा रहा था और उसने अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर लाइट किया। उस लाइटर की फ्लेम बाहर आती ही प्रणव की नजर अकीरा की ब्यूटीफुल फेस पर पड़ी। उसका फेस पूरी तरह लाल था और उसकी आंखों में एक मॉइस्चर की लेयर थी जिसकी वजह से उसकी आंखें पर्ल की तरह शाइन कर रही थी। उसके लिप्स तो और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे। प्रणव के इतने किस करने के बाद वो फ्लफी लिप्स स्वेल हो गए थे और ग्लिमिंग रेड दिख रहे थे। प्रणव उसे इस तरह इतने अट्रैक्टिव दिखता हुआ देखकर वो अपने आप को और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो आगे लीन होकर उसे किस करने जा ही रहा था कि उतने में अकीरा ने उसे अपने हाथ से रोक दिया था। उस फॉरेस्ट में बहुत ठंड थी और अकीरा धीरे धीरे वहाँ अजीब फील कर रही थी। अब वो उस जगह पर बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसके पेट में हल्का पेन भी हो रहा था। उसने अपने हाथ से अपने एब्डोमेन को प्रेस करते हुए प्रणव की आंखों में देखकर उसे बोला, हम बहुत देर से बाहर इस फॉरेस्ट में हैं। मुझे लगता है अब हमें अंदर जाना चाहिए। स्वीटी और बाकी लोग भी परेशान हो रहे होंगे मुझे वहाँ से गायब देखकर। अचानक अब प्रणव के एक्सप्रेशन अजीब हो गए थे। वो अब डिसअपॉइंटेड था। उसने अकीरा को डोमिनेटिंग टोन में बोला, तुम मुझे जिस तरह बुलाती हो उसे चेंज करो, अभी के अभी उसे बदलो। मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मुझे प्रणव बुलाओ या बेबी, इन दोनों में से कोई एक नाम। ये सच में बहुत ही डोमिनेटिंग और इरिटेटिंग।
प्रणव की बात सुनकर अकीरा बहुत ही सिली फील कर रही थी। उसके दिमाग में प्रणव और उस लड़की की पिक्चर आने लगी थी जो उस दिन उसके साथ रेस्टोरेंट में थी। उसने प्रणव से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और बोलने की कोशिश की। प्रणव ने उसे उस मिस्टर वर्ड के आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। उसने डायरेक्ट जाकर बिना वार्निंग के उसे किस कर लिया था। ये सडन था, अकीरा ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये कोई छोटी किस नहीं थी। जब अकीरा ब्रेथलेस फील करने लगी तब उसने फिर फाइनली उसे छोड़ दिया और डोमिनेटिंग टोन में बोला, अब जितनी बार तुम मुझे गलत नाम से बुलाओगी उतनी बार मैं तुम्हें बिना किसी वार्निंग के किस करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अकीरा स्पीचलेस थी। वो उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। अब वो बिना कुछ बोले वहाँ खड़ी थी। वहाँ ठंड बढ़ती जा रही थी। प्रणव के एक हाथ में तो लाइटर था। उसने दूसरे हाथ से फिर से अकीरा की चिन को पकड़ा और ऊपर अपने फेस की तरफ उसके फेस को करते हुए बोला, तुम बोलोगी या फिर मैं फिर से तुम्हें किस करूं? अकीरा उसके कोल्ड और हैंडसम फेस को देख रही थी। उसके इरादे बहुत पक्के लग रहे थे। जितना अकीरा अब तक उसको समझ पाई है, उसे जान पाई है, उसके हिसाब से एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि अगर अकीरा ने उसे जिस तरह वो चाहता था इस तरह एड्रेस नहीं किया तो वो उसे किस करता ही रहेगा। कुछ सेकंड्स तक वो कुछ नहीं बोली और प्रणव के गेज को देखकर उसने फोर्सफुली बोला, प्रणव। प्रणव को अकीरा के बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बहुत ही स्टीफ और फोर्स टोन में बोल रही थी। उसका नाम लेना इतना मुश्किल था क्या? जिस तरह अकीरा समीर का नाम लेती थी ये उसके 1% जितना भी सॉफ्ट नहीं था। प्रणव ने अपने फेस को आगे किया और उसके लिप से पास जाकर बोला, थोड़ा प्यार से अच्छे टोन में बोल सकती हो? प्रणव इस बार अपना लक ट्राई कर रहा था क्या? अकीरा ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो प्रणव की बात को इग्नोर करेगी, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी और वो फिर अपनी आंखें रोल करके दूसरी तरफ देखने लगेगी। लेकिन उतने में प्रणव का जो हाथ अकीरा के चिन पर था वो धीरे धीरे उसके कॉलर पर पहुंचा और अकीरा ने तुरंत ही नॉर्मल और फ्रेश आवाज में उसका नाम लिया, प्रणव। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रणव ने फिर भी उसे किस किया। उसने जी भर के उसे किस किया। उसके बाद उसने अकीरा को लो वॉइस में बोला, तुम्हारी आवाज में कोई तो बात है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ये हो गया। अकीरा फिर एक बार स्पीचलेस थी। वो कुछ बोलने लायक नहीं बची थी और वो नीचे देखने लगी। जैसे ही उसने नीचे देखा उसकी नजर डायरेक्ट प्रणव के लोअर एब्डोमेन पर पड़ी और उसका फेस जो फाइनली नॉर्मल हो गया था वो फिर एक बार लाल हो गया था। अकीरा के फेस और उसकी नजर को देखकर प्रणव भी हेल्प नहीं कर पाया और इस बार उसके खुद के कान भी लाल हो गए थे। ये शायद पहली बार था कि प्रणव इस तरह ब्लश कर रहा था। इससे पहले भी कई बार वो दोनों किस कर चुके थे और ऐसे इंटीमेट हो चुके थे, लेकिन ये पहली बार था कि प्रणव इंटीमेटेड फील कर रहा था। प्रणव इस तरह ब्लश कर रहा था। अंदर ही अंदर प्रणव भी अकीरा को लेकर एक्साइटेड होता जा रहा था, लेकिन आज तक कभी उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया था। ये पहली बार था और नोटिसेबल भी था।